अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और हमारे शो का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो एक और खूबसूरत सी सुबह का आगाज़ करते हैं मिलकर। और आज जैसे कि 8 मार्च है और ख़वातीन का आलमी दिन है, तो मेरे ख़्याल से आज जितनी भी ख़वातीन हैं उनको मैं ज़रूर कहूँगी और चाहूँगी भी कि वो आज यहाँ हमारे साथ हमारे शो को ज़रूर देखें। और बात वहीं आ जाती है कि जहाँ ख़वातीन के हवाले से बातचीत होती है, तो हम आज के दौर में हैं और आज के दौर में हम इस चीज़ को ज़रूर इस पे बिलीफ रखते हैं कि हम किसी से कम नहीं और मर्दों के शाना बशाना हम चलते हैं। आज की जो और इस साल की जो विमेंस डे के हवाले से जो है वो थीम हमारी है, वो विमेन इन लीडरशिप। इससे क्या मुराद है, इससे हम क्या समझते हैं? जाहिर सी बात है, आप जब किसी के साथ चलते हैं तो आपका कोई ना कोई एक लीडर ज़रूर होता है, एक आपका मेंटोर होता है जो आपकी इंस्पिरेशन भी बनता है, जो आपको गाइडेंस भी देता है, जो आपको बहुत सारे मुश्किलात से बाहर निकलने के लिए बहुत सारी टिप्स भी देता है और आपको बहुत कुछ सिखाता भी आपकी ज़िंदगी में। ख़वातीन हर लिहाज से बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अपने घरों से निकलती हैं और बहुत ही मुख्तलिफ़ फील्ड्स में अपने आप का अपना लोहा मनवा रही हैं और ये ज़रूर साबित करती हैं कि हमारे अंदर भी इतनी ताकत है, हमारे अंदर भी इस तरह का जज्बा है जो हम आगे मर्दों से कम नहीं हो सकते, हम उसी तरीके से काम कर सकते हैं, वही जी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। अगर हम मुख्तलिफ़ पहलू देखें ज़िंदगी के ख़वातीन के हवाले से, तो वो एक माँ होती है जो अपने बच्चे को अच्छी तरबियत देती है, एक बच्चे को अच्छा इंसान बनाती है। आप देखें, एक बहन होती है जो अपने भाई के लिए एक ऐसा रिलेशनशिप कायम करती है जो मिसाल बन जाता है दुनिया के लिए। एक बेहतरीन बीवी होती है जो अपने शौहर को अपने साथ लेकर चलती है, उसके अच्छे बुरे वक्त में उसका साथ देती है, पूरा घर संभालती है। और यही सारी ख़वातीन जब घरों से बाहर निकलती हैं तो दूसरों के लिए एक बेहतरीन इंस्पिरेशन बनती हैं, मोटिवेशन बनती हैं। और अगर हम उनको इनक्रेज ना करें, उनको अप्रिशिएट ना करें, तो कैसा लगेगा? ये मर्द हज़रात भी अगर सोचें कि अगर वो दिन भर बाहर रहें और घर के कोई भी काम करें और फिर उनको ये कहने को मिले, सुनने को मिले कि आपने किया क्या है, ये तो आपका काम है, तो सोचें कितना बुरा लगेगा। इसी तरीके से हम अपनी ख़वातीन को भी उसी नज़रिए से देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। घर की जो हाउसवाइफ्स होती हैं, घर में रहते वो कितनी जिम्मेदारियों को इकट्ठा निभा रही होती हैं, 24 आवर्स जॉब होती है विदाउट एनी पेमेंट, तो आप सोचें किस तरह से वो अपने लेके चीज़ों को चलती हैं, माइंड में उनके कितनी चीज़ें होती हैं। और अगर हम छोटी सी एक बात कह दें कि वाह आज तुमने क्या काम किया है, या फिर कि आज तुम बहुत थक गई होगी, थोड़ी सी हेल्प तुम्हारी कर दें और तुम बहुत अच्छा कर रही हो, तो ये कुछ ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, जो ये कुछ ऐसी चीज़ें सेंटेंसेस होती हैं, आपके दिल को बहुत बड़ा कर देती हैं, आपकी सारे दिन की थकान दूर हो जाती है। आज हमारे साथ बहुत सारी मुख्तलिफ मेहमान मौजूद होंगी, जाहिर सी बातें ख़वातीन ही होंगी और डिफरेंट डिफरेंट शोबों से होंगी। बहुत सारी ख़वातीन मुख्तलिफ शोबों में होती है, लेकिन सबको यहाँ इकट्ठा हम नहीं बुला सकते, लेकिन एज ए लीडर अगर आपको प्रेजेंट करना हो अपनी पूरी टीम को, तो उसके लिए हमने यहाँ पे दावत दी अपनी कुछ मेहमानों को, उनसे हम आपको मुतारफ भी कराएंगे और बताएंगे भी कि वो किन किन फील्ड से ताल्लुक़ रखती हैं। साथ साथ बात वहीं आ जाती है कि हमारा जो ये शो है ज़ाहिर स्पेसिफ़िक टाइम से लिंक्ड होता है, इसलिए हम बहुत सारे मुख्तलिफ शोबों में जो हमारी ख़वातीन अपना काम कर रही हैं उनको हम यहाँ नहीं बुला सकते, लेकिन जाहिर सी बातें हम उन्हें भूल भी नहीं सकते, उन्हें याद भी रखना है और उनके काम को अप्रिशिएट भी करना है। तो ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको एक बड़ा खूबसूरत सा पैकेज हमने आज के दिन के हवाले से बनाया है आप लोगों के लिए, तो पहले वो दिखाएँगे और उसके बाद ब्रेक लेकर वापस आते हैं। सो स्टे विद अस। मैं नसरीन अमजद, आज औरतों के आलमी दिन के मतलब सबसे पहले तो मैं हर औरत को सलाम पेश करती हूँ। हमारा माशरा औरत के बग़ैर अधूरा है। अपने घर को भी संभालती हूँ, बच्चों को भी संभालती हूँ, उनको स्कूल भेज के, घर के काम वगैरह करके, खाना वगैरह दे के बच्चों को, तो फिर उसके बाद मैं अपना पार्लर चलाती हूँ। पूरी दुनिया में जितनी भी ख़वातीन हैं उनको मैसेज देना चाहती हूँ कि वो इसी तरह मेहनत करें, मेहनत में अज़मत और बरकत है। मैं इस्लामाबाद में अपना बिज़नेस करती हूँ, माशाल्लाह 20-25 साल से मैं ये अपना हैंडीक्राफ्ट का काम कर रही हूँ और माशाल्लाह मैंने ये 250-300 रुपये से शुरू किया था और अल्लाह ने मुझे बहुत तरक्की दी, मैंने बड़ी हिम्मत की। और मेरा यही मैसेज है औरतों को कि वो आएँ और बिज़नेस करें, हिम्मत ना हारें, जितना आप मतलब ईमानदारी से काम करेंगी उतना ही अल्लाह आपके बरकत देगा।
मेरा नाम शगुफ्ता है, बाय प्रोफेशन आई एम एन आर्टिस्ट। मैं एक एकेडमी जो है वो रन कर रही हूँ एट द मोमेंट। मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स हैं और इस स्टेज तक आने के लिए मैंने बड़ी स्ट्रगल की है। मैंने काफ़ी जॉब्स की हैं, लेकिन क्योंकि मुझे हमेशा से यही शौक़ था कि मुझे आर्टिस्ट ही बनना है, और ड्राइंग्स में मैं हमेशा से मेरा इंटरेस्ट रहा है। मैं ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर ये मैसेज देना चाहूँगी कि जितनी भी ख़वातीन, चाहे वो किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में हों, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, आप अपनी अंदर जो भी स्किल है उसको किसी भी तरीके से दूसरे तक पहुँचा सकते हैं। तो इट्स गुड कि अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है या कोई स्किल है उसको आप दूसरों तक भी पहुँचाएँ, ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मेरा नाम साइमा अफजल है और मैं प्रिंसिपल हूँ, और मेरी एक तवील जद्दोजहद है जिससे गुज़र के आज मैंने ये मकाम हासिल किया। बहसियत खातून मैं देखती हूँ कि बहुत सी चीज़ों को मैनेज करना और बयाक वक्त बहुत से काम करना एक औरत के लिए कतन मुश्किल नहीं है। हमें अपने आप को बेचारा नहीं समझना चाहिए, हमें हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और ये सब काम हमें करने चाहिए और हम कर भी रही हैं सब औरतें। मेरा नाम डॉक्टर ज़ौफ़िशा जबी फ़ातिमा है, और मैं एज अ डिप्टी डायरेक्टर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पिम्स हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ अपने मुल्क की तमाम ख़वातीन को, बल्कि पूरी दुनिया की ख़वातीन को, कि हम आप में से हैं और आप हम में से हैं। अगर आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ, कोई भी मज़दूर खातून जो कि मज़दूरी कर रही है, जो भट्टे पे काम करने वाली औरतें हैं, जो घरों में काम करने वाली ख़वातीन हैं, जो पढ़ने लिखने वाली हमारी बच्चियां हैं, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज गोइंग हैं, आप सब बाहिम्मत ख़वातीन हैं। आप भी उतना ही काम कर रही हैं जितना कि हम काम कर रहे हैं, और आप इससे बढ़कर काम कर सकती हैं, और आप अपने माशरे के लिए बहुत सूदमंद और फ़ायदा मंद हैं, क्योंकि आप अपनी घरेलू और ज़ाती ज़िम्मेदारियाँ भी नहायत अहसन तरीक़े से निभा रही हैं। मेरा नाम हुमा आतिफ है, मैं 2008 में मैंने लॉ के प्रोफेशन को ज्वाइन किया। अपनी एलएलबी की डिग्री को कंप्लीट करने के बाद मैं इस प्रोफेशन में आई, और उसके बाद 2008 से लेकर ऑनवर्ड्स टिल टू नाउ जो है मैं इस फील्ड में हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज पूरी दुनिया में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और इस मौके पे मेरी तरफ से तमाम ख़वातीन के लिए पैगाम है कि चाहे वो किसी भी फील्ड में आए, चाहे वो लॉ की फील्ड हो या कोई भी ऐसी फील्ड हो, हर फील्ड में मेहनत और लगन बहुत ज़रूरी है, और उस फील्ड में कामयाबी के साथ साथ आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बींग अ फीमेल अपने हर किरदार को, जो आपका किरदार है एक माँ, बहन, बेटी, बीवी, उस किरदार पर भी पूरा उतरें, और माशरे में एक ऐसा मकाम हासिल करें कि हर कोई आपको इज़्ज़त की निगाह से दे। मैं काम करती हूँ न्यूज़ एंकरिंग का भी, और उसके अलावा प्रोग्राम्स एंकर हूँ। आज 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन है, और ये आलमी दिन हमें एहसास दिलाता है कि ख़वातीन जो हैं वो, उनको एम्पावरमेंट और ताकत ज़रूर मिलनी चाहिए। और हमारे मुल्क की इस वक्त आबादी का आधा हिस्सा भी हैं, लेकिन अब आप ये देख लें कि दौर बहुत ज़्यादा बदल गया है, अब वैसा दौर नहीं है। अब आप भी घर बैठे हुए उतनी, बल्कि मुझसे ज़्यादा इल्म, समझ और शऊर रखती हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोगों से मेरी यही इल्तमास है कि इस दिन के मौके पर कि आप अहद करें कि अपनी बच्चियों को तालीम दिलवाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और जैसे कि आगाज़ में मैंने जिक्र किया था, मैंने बताया था कि आज का जो हमारा शो है वो वुमेन डे के हवाले से है, ख़वातीन का आलमी दिन। और आज की जो, इस साल की जो बेसिक हमारी थीम है वुमेन्स के हवाले से, वो है वुमेन इन लीडरशिप। ख़वातीन ज़ाहिर हर फील्ड के अंदर बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रही हैं, और अब वक्त बड़ा मुख्तलिफ हो चुका है। पहले के ज़माने में जिस तरह से ख़वातीन पर रोक थी या उनके पास वो ज़राए मौजूद नहीं थे, वो फैसिलिटीज़ नहीं थी कि वो अपने हुनर को या अपने टैलेंट को या अपने पैशन को वो आगे लेके चलती, लेकिन अगर आज के ज़माने में देखें तो ख़वातीन को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो सराहा जा रहा है उनके काम को लेकर, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं हर जगह के ऊपर, उनकी एक अलग सी जगह बना दी जाती है कि वो भी हिस्सा ले सकें, पार्टिसिपेट कर सकें मुख्तलिफ फील्ड्स में, जहाँ सिर्फ हम ये समझते थे कि मर्द हज़रात ही काम कर सकते हैं, आज वहाँ
खवातीन भी हैं। अगर आप ड्राइवरी के हवाले से देखें, देखा होगा आपने सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी, खवातीन भी ड्राइविंग कर रही हैं, पायलट्स हैं और रिक्शे तक चला रही हैं, बाइक्स चला रही हैं, और भी मुख्तलिफ फील्ड्स हैं। अगर खाने बनाने में हम सिर्फ घर में खवातीन को देखते थे और बाहर मर्द हजरात को देखते थे, अब हम बाहर खवातीन को भी देखते हैं। इस तरह की बहुत मुख्तलिफ जो है वो शोबे हैं जिनमें वो काम कर रही हैं। और जो मैंने आपको पैकेज एक दिखाया था उसमें भी आपने देखा कि इवन दुकानदार भी खवातीन हैं। तो ये मुख्तलिफ शोबे हैं जिनके बारे में हम पहले सोच नहीं सकते थे, अब वो सारी चीज़ें हकीकत बन के हमारे सामने आ गई हैं। आज हमारे साथ जो बहुत खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं वो भी जाहिर सी बातें खवातीन हैं और मुख्तलिफ शोबों से हैं। एज अ लीडर, एज एंटरप्रेन्योर वो दूसरों को जो है वो एक मोटिवेशन दे रही हैं, एक इंस्पिरेशन है बहुत सारी खवातीन की, और किस तरह से अपनी फील्ड में वो काम कर रही हैं, अपने मुल्क के लिए सर्व कर रही हैं, आज उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, शी इज़ अ ग्रेट स्कल्पचर और इंटरनेशनली भी उन्होंने अपना बहुत काम उनका सराहा गया है, और किस तरह से अपनी फील्ड में वो परफेक्ट हुई हैं और किस तरह से वो अपना उन्होंने सफ़र का आगाज़ कर वो आज इस मुकाम तक पहुँची हैं, इसका हम उनसे खुद बात करेंगे, पूछेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं रिफत शाहीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मेरे लिए भी ऑनर है ये। दैट्स ग्रेट, बहुत मजा आएगा। इसी के साथ जो हमारी अगली मेहमान है वो हमारे मुल्क का फख्र है, ऑनर है हम सब के लिए, और जब खवातीन अगर इस तरह की फील्ड में जाना चाहेंगी तो आज उनके लिए बड़ा एक अच्छा सिलसिला हो जाएगा कि वो उनसे बहुत कुछ सीख सकती हैं कि किस तरह से एक औरत जब आगाज़ लेती है अपने किसी प्रोफेशन का तो वो किस तरह से लेती है, किस सोच के साथ लेती है और किन हर्डल से गुजर कर वो अपने उस मुकाम पे पहुंचती है जहां का उसने ड्रीम किया होता है। तो आइए हम वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहां पे मौजूद है असिस्टेंट कल्चर कलेक्टर कस्टम्स लारिब गफ्फार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी हमें इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ हमारे साथ एक और जो अगली मेहमान मौजूद हैं, शी इज़ अ बैंकर, और जब बैंकर के हवाले से बात जिक्र आता है तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि मर्द हजरात ही हमें बैंक्स में नज़र आते हैं, लेकिन अब वक्त बदल रहा है, अब चीज़ें बदल रही हैं, अब हमें ख़वातीन भी उसी तरीके से उन बड़ी बड़ी पोस्ट्स पे नज़र आती हैं जहां सिर्फ पहले मर्द हजरात होते थे। तो उनसे भी उनके एक्सपीरियंसिस के बारे में बात करते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सादिया अफसर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसी हैं? आई एम वेरी वेल, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग, दैट्स ग्रेट टू हैव यू हियर। उसके साथ जो हमारी अगली मेहमान है, शी इज़ अ ग्रेट राइटर, और जिस तरह से उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया, क्या सोच के इस प्रोफेशन को चूज़ किया, ये आज हम उनसे जानेंगे। और जाहिर है हम जब चाहे पोएट हो चाहे राइटर हो, बहुत बड़े बड़े नाम मोस्टली मर्द हजरात के देख रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने इन सारी चीज़ों को देखते हुए भी अपने आप को इस शोबे के अंदर, इस फील्ड के अंदर जो है वो उन्होंने कदम रखा और अपना लोहा मनवाया। उनसे उनके एक्सपीरियंसिस के बारे में जब बात करेंगे तो हमें वाकई इंस्पिरेशन ज़रूर हासिल होगी। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं असमा शाह सलमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस ठीक ठाक। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया, बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत मशहूर हूँ। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप लोग आज सब यहाँ हमारे दरमियान में मौजूद हैं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट अब जो था, जो पहले के वक्तों में था, वो बदल चुका है। हम अब एज अ लीडर अपने आप को जो है सामने रख सकते हैं, वरना पहले का वक्त था कि अगर लीडर का जिक्र आता था तो वो सिर्फ मर्द हजरात से जुड़ा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, वक्त बदल गया है, टर्न हो गया है, जो वो वक्त का पहिया है वो अब उल्टा घूम रहा है। तो मैं इसी थीम से रिलेटेड आगाज़ करूँगी पहले सवाल का आप सब के साथ। सबसे पहले रिफत, आप मुझे बताएं हमारी जो थीम है विमेन इन लीडरशिप, इसको आप किस तरह से एलैबोरेट करेंगी, मतलब आपका नज़रिया कैसा है एक खातून को लेकर, एक जो खवातीन का एक पैनल है उसको एज ए लीडर आप किस तरह से देखती हैं? मैं ऐसे देखना चाहूँगी कि अभी मैं थोड़ी देर पहले इस सिलसिले में सोच रही थी कि लीडरशिप में सबसे बड़ी क्वालिटीज़ होती हैं कि आप अपने साथ में बहुत सारे लोगों को लेकर चलें। yes. तो मेरा ये सबसे बड़ा एम पहले से ही था, यानी कि 2012 की बात है कि मेरा ये इस एम पे बड़ी शदीद में फोकियत मेरी रही कि मुझे अपने साथ बहुत सारी लड़कियों को लेके चलना है। बिल्कुल। तो उस हवाले से मैंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम भी किया कि मैं जहाँ जहाँ काम करने जिस जिस इलाके में जाती थी, जिनके मैंने जाकर ऑन द स्पॉट काम करना होता है डिफरेंट सिटीज़ में या डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो वहाँ जाने के बाद मेरा फिर ये होता है कि मैंने किसी ऐसी औरत को सर्च करना है जिसको बहुत शौक
शौक है, उसे फिर अपने साथ रखना है, उसे सिखाना है और फिर गाए बगाए मैंने उसके साथ रहना है। अभी मेरा लास्ट प्रोजेक्ट लाहौर में हुआ तो वहाँ पर भी मेरा यही था कि मेरी टीम में सब लड़कियाँ शामिल थी। तो ये लीडरशिप का मैं समझती हूँ कि एक बड़ा खूबसूरत सा असूल है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। जी बिल्कुल, कि आप अपने साथ दूसरों को लेकर चलें और दूसरों को लेकर चलें और दूसरों को आप इतना ट्रेन कर दें कि वो आगे चलकर अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके अपने प्रोफेशन को। और जब वो बोलें कि ओ मेरे साथ तो मैम रिफती तो कितना अच्छा लगेगा। बिल्कुल डेफिनेटली अच्छा लगेगा, डेफिनेटली। लारिब, आपने CSS क्वालिफाई किया 2016 में, आप इलेक्ट्रिक इंजीनियर भी हैं, तो ये इस तरह से करते हुए अब आप कस्टम्स में आ गए, तो किस तरह का आपका सफ़र रहा? और जाहिर सी बात है कि आज की जो थीम हमारी है उसको आप एज ए लीडरशिप किस तरह से लेकर चलेंगी? सबसे पहले जो आपका सवाल है कि मेरा सफ़र कैसा रहा, बहुत मेहनत वाला सफ़र है, चैलेंजिंग है। कोई भी जैसे किसी और मेरे कोई भी मेल काउंटर पार्ट हैं उनके लिए होगा, तो बस एक हमारी सोसाइटी में कुछ चैलेंजेस ये ज़्यादा ख्वातीन के लिए ज़्यादा होते हैं कि उनकी पावर्स को, उनकी एबिलिटीज़ को बहुत अंडरमाइन किया जाता है। मतलब आपको रुकावटें मेंटल बर्डन जिसे आप कहते हैं, जैसे कोई आपको कह देगा ख्वातीन ये नहीं कर सकती, इस फील्ड में नहीं जा सकती, तो ये आपको, लेकिन मैंने इसे एज अ चैलेंज लिया और एक ये मोटिवेटिंग फोर्स बन गया मेरे लिए। इस चीज़ को देख कर फिर मैंने उस कॉन्सेप्ट को चेंज करने के लिए मेहनत की और अल्लाह ताला का शुक्र है, जी अल्लाह ताला ने अता किया। तो लेकिन एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि लीडरशिप क्वालिटी की जो बात है वो ख्वातीन में, लड़कियों में नेचुरल है, उन्हें बाहर से सीखनी नहीं पड़ती, इसलिए नेचुरल है क्योंकि खुदा ताला ने उन्हें ये सलाहियत दी है लोगों का भला सोचने की। जैसे वो माँ है ना, तो वो नेचुरली इट कम्स टू हर। तो जो लीडरशिप एबिलिटी होती है या लीडरशिप का एक मकाम होता है वो उसके लिए होता है जो बाकी इंसानियत का वेलफेयर के बारे में सोच सके, सबको मोहब्बत दे सके। तो दिस इज़ व्हाट वुमेन डिजर्व एज समथिंग दैट इज़ इननेट टू देम। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बाहर से कहीं हासिल किया है, ये उनका नेचुरल मकाम है जो नेचर ने उन्हें दिया है। बहुत खूबसूरत बात आपने की, क्योंकि जाहिर है एक लीडर क्वालिटी इनबिल्ट होती है, वो आपने निकालनी होती है, और मेरे ख्याल से औरतों के अंदर ये वाकई सलाहियत पैदा होते ही मौजूद होती है, क्योंकि वो इतने मुख्तलिफ पहलुओं को अपनी ज़िंदगी में देखती हैं और उन्हें कोई सिखाता नहीं है, वो वक्त पड़ने पर सब कुछ कर सकती हैं। एक बेटी जब माँ के घर पर होती है तो माँ उसको एक कप इधर से उठा के उधर रखने नहीं देती, और जब उसकी शादी होती है तो वो पूरे घर को ऐसे संभालती है जैसे वो बचपन से यही सीखती आ रही हो। तो जस्ट लुक एट दिस। सादिया, आप भी एक खातून हैं और आपने जो प्रोफेशन चूज़ किया बैंकिंग का, वो तो बहुत वाकई बड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि हम सिर्फ मर्द हजरात को उस फील्ड में देखते हैं और कंसिडर भी करते हैं। लेकिन अगर आज की हम थीम पे बात करें कि वुमेन इन लीडरशिप, उसको आप किस तरह से देखती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट इट्स नॉट ईजी जॉब। ट्रू, बैंकिंग इज वेरी चैलेंजिंग एंड इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल सही। तो स्पेशली ख़वातीन के लिए इस फील्ड में आना इतना आसान नहीं था। यूजली हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये था औरतों से घर संभाला जाए, बाहर बैंकिंग स्पेशली यू नो कैश हैंडलिंग, और 80-90% जो हमें डेली लोगों से डील करना पड़ता है वो भी मर्द हजरात होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। सो ये और बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज आपको डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने बहुत सपोर्टिव अपने इर्द गिर्द कोलीग्स को देखा है, ऐसा नहीं है। अब हमारे यहाँ मर्द ज़रूर सपोर्ट करते हैं, एक रिस्पेक्ट और एक कंफर्ट जो है वो आपको नज़र आती है। टाइम हैज़ चेंज्ड, हमें पहले की तरह मुझे वो चीज़ें नहीं नज़र आती कि अच्छा ख़वातीन आगे नहीं आ सकती। कंपैरेटिवली मैंने नोट किया है कि इन दिस इंडस्ट्री ख़वातीन बहुत तेज़ी से आगे निकल रही हैं। ट्रू ट्रू। आप काफ़ी बैंक्स की सीनियर पोजीशंस पे और हमारे इवन स्टेट बैंक की गवर्नर खातून रह चुकी हैं। yes, yes. तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकती हैं कि ख़वातीन कितनी तेज़ी से
अपना रास्ता बना रही हैं और आगे निकल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रूफ कर रही हैं कि हम बिल्कुल मर्दों से पीछे नहीं रुकने नहीं। वाले हैं और हर फील्ड में हर मैदान में हमने आगे बढ़ना है। बिल्कुल, और मैं इस बात पे बिलीफ रखती हूँ कि हम अगर मर्दों से आगे निकले हैं तो वो भी हम मर्दों की सपोर्ट के साथ, क्योंकि सपोर्टिव पीपल। आई मस्ट से कि मेरे प्रोफेशन में इट्स वेरी चैलेंजिंग प्रोफेशन, और ऐसी रेस में जहाँ पे आपको नजर आता है कि 80% मर्द हजरात हैं, तो उसमें फिर रास्ता बनाना और उसमें आगे निकलना, उसमें सक्सेसफुल होना, आई वोंट गिव दिस क्रेडिट ओनली टू माई सेल्फ। इसमें आपकी मैनेजमेंट, आपकी फैमिली, सबका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। बिल्कुल सबके पार्ट ज़रूर होते हैं उसमें। आज़मा जी, आपसे तो बड़ा ज़रूरी होगा इस बारे में जानना कि एक ख़वातीन का लीडरशिप में जो एक वो होता है पावर, वो किस तरह से बिल्ट इन होता है, क्योंकि आपने तो कितने एराज़ अपनी ज़िंदगी में देखे हो माशाल्लाह, और भी आप आगे देखेंगी पुराने वक्तों से लेकर अब तक के इस वक्त में, एक लीडरशिप क्वालिटी जो औरत में होती है वो किस तरह से आपकी नज़र में है? मेरे ख्याल में तो ये है कि ये जितनी बच्चियाँ बैठी हुई हैं आप समेत, ये सब आपकी वालदा की वजह से, बेशक माओ ने आपको इस हद तक पहुंचाया है कि आप यहाँ आ गई हैं। वो बहुत सपोर्ट करती हैं, माएँ तरबियत भी करती हैं, साथ भी देती हैं, माशरे से भी बचाती हैं, बिल्कुल लोगों से बचा के कहती हैं नहीं करो तुम काम। बेशक आज इसीलिए ये बच्चियाँ यहाँ पे बैठी हैं और ये काम कर रही हैं। एग्जैक्टली, तो मैंने भी अपनी बेटियों के लिए यही कोशिश की। मेरी बेटियाँ, मैंने उनको उसको पता नहीं आला कहना चाहिए या नहीं, MA LLB कराया थी, एक बेटी CSS किया हुआ है, वेरी गुड, और वो कस्टम्स में ही है, तो इनको देख के मुझे वो याद आ रही है। सो हार्ट टचिंग। तो ये है कि बच्चियों को माएँ ही बना रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये लीडरशिप वो जो अभी इन्होंने भी बात की है कि वो हमारे अंदर ही होती है। जी जी, हमने बच्चों को ले के चलना है। बिल्कुल, बाप नहीं लेके जा सकता। बिल्कुल, और सबके तो अपने अलग अलग एक वो फैक्टर्स होते हैं। बाप का एक थोड़ा सा वो भरम और वो जो रिस्पेक्ट होती है, उसमें आप अक्सर अपने बाप से वो बात शेयर नहीं कर सकते जो अपनी माँ से कर लेते हैं। बिल्कुल, वो तो फिर माँ ही उनको बता के और लेके जाती है बच्चियों को। बिल्कुल, और इसलिए आज औरतें जो यहाँ तक पहुँच रही है उसमें हमारी नस्ल का भी काफी हाथ है, डेफिनेटली, क्योंकि बच्चियाँ इस तरह आ रही है। तो बस ये मैं बता रही थी कि खुद मैंने तो काफ़ी मेहनत की है, जाहिर है मुश्किल वक्त गुजारा है इस लिए कि बच्चियाँ मेहनत करें और पढ़ लें। बिल्कुल बिल्कुल, तो जो आपने बात की है ना उससे वाकई बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को लिंक कर सकती हूँ, बिकॉज जिस प्रोफेशन में मैंने कदम रखा था वो लोगों की नज़र में बड़ा मुख्तलिफ है। ख़वातीन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे माशरे में रहते हुए इस तरह की फील्ड में आना। तो मेरी मदर ने जो था मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट था उनको कि ये मेरी बेटी 50 लोगों में भी अगर आदमियों में चली जाएगी तो ये मेरा फ़ख्र ही बन के बाहर निकलेगी। और वाकई ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे हर बात पर इनक्रेज इस तरह से किया, कभी कोई भी अगर जैसे छोटी मोटी बात हो जाती थी तो वो कभी डिसअपॉइंट नहीं होती थी, वो कहती थी कोई बात नहीं बेटा, फेस करना सीखो, लोगों की बातों को दिल में रखने की जरूरत नहीं है, उनको सही बात बताओ कि मैं भी ये कर सकती हूँ, आप मुझे कमतर ना समझें किसी से, क्योंकि अगर मैं लड़की हूँ तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी मदर का सपोर्ट आपके लिए बड़ा जरूरी है। एंड थैंक यू मम्मा फॉर एवरीथिंग एंड फॉर बीइंग विद मी ऑल द टाइम। सो टू ऑल द मदर्स, यस टू ऑल द मदर्स, ट्रू दैट, ट्रू, बिल्कुल। रिफत, फिर आपकी तरफ आऊँगी। अब हमने तो आज की थीम को थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, अब थोड़ा सा आते हैं आपके प्रोफेशन के हवाले से। जो आपका ये प्रोफेशन है, वैसे अगर देखा जाए तो स्कल्पचर्स, पेंटर्स, आर्टिस्ट मोस्टली आदमी नज़र आते हैं, मर्द हजरात हर जगह, फेमस भी वही मोस्टली होते हैं, उनका काम भी लोगों को पता होता है, लेकिन एक औरत के लिए इस तरह की फील्ड में घुसना एंड देन उसको अपना बेस्ट देना, आपको कहीं मुश्किल का सामना करना पड़ा? नहीं, मुझे पता ही नहीं चला, मुझे पता ही नहीं चला मैं यहाँ कैसे पहुँच गई, मुझे अभी भी यकीन नहीं आता। रियली? हाँ बिल्कुल, बल्कि मैं समटाइम कभी आगे पीछे से अपने लिए कोई न्यूज़ सुनती हूँ या एकदम से रेंडमली इंटरनेट पे अपने बारे में कोई अच्छा फ़खरिया जुमला देखती हूँ तो मुझे इतनी खुशी होती है कि फिर से बात वहीं आ जाती है कि हमारे, मैं अभी तक ये भी नोटिस कर रही हूँ कि फेसबुक पे 80% मर्द हैं। हाँ। और जब मेरे लिए कोई फ़खरिया जुमला लिखते हैं, बहन लिखते हैं या कोई भी अच्छी प्यारी बेटी या कौम का फ़ख्र लिखते हैं,
तो मेरा दिल करता है मैं उनको खड़े होकर सलूट करूं। बेशक बिल्कुल। कैसे सपोर्ट करते हैं। और फिर मैं जहाँ तक इन्होंने बात की माँ की, तो मेरे साथ ये थोड़ा सा उल्टा हुआ कि मेरी फादर से दोस्ती ज़्यादा थी। अच्छा। मुझे कुछ भी होना है, कुछ भी मैंने अपने अब्बू को बताना है। हाँ। और मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है क्या क्या फिजिकली क्या इमोशनली, तो मैंने अपने फादर से जाके शेयर किया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अम्मी से थोड़ा कम था, मतलब मुझे याद है कि मैं पहली दफ़ा मुझे टाइफाइड हुआ तो मैं फादर के साथ चिपकी बैठी हुई थी। अच्छा होता है, बेटियाँ थोड़ा बाप से ज़्यादा क्लोज होती हैं। ये तो है। अच्छा जहाँ हम आपके ऑब्वियसली काम के हवाले से बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आपका काम हम देखें भी, क्योंकि वाकई जब मैंने इनका काम देखा तो ये काबिले फ़ख्र है इनका काम, और जिस मुकाम पे आज ये हैं तो शी डिज़र्व्स दैट। तो आइए चल के देखते हैं इनके खूबसूरत शाहकार, और उसके बाद आप भी यही कहेंगे, जस्ट चेक दिस आउट, वाओ ब्यूटिफुल। अच्छा ये रिफत बताइएगा, इस तरह के स्कल्पचर्स बनाने में आपको कितना टाइम लगता था और कितनी जो है आपको तगोदो करनी पड़ती थी एक स्कल्पचर्स तैयार करने के लिए? साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम्स पे डिपेंड करता है कि साइज़ क्या है, मीडियम्स क्या है। जैसे कि ये जो आप मुजस्मा देख रही हैं, ये 3 से 4 दिन में बना होगा। अच्छा जी, ये जो राशिद मिन्हास आपका, ये जो है ये 1 माह 20 दिन में बना था। इसके ऊपर काफी सारा और भी काम हुआ है। wow. ये इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैप है। oh, great. जी ये 3 माह में बना था। जी अमेजिंग, थैंक यू। मतलब अब वाकई आप लोगों को भी अंदाजा हो गया। ओके 3D इफेक्ट के साथ ऐसे ही है, जबरदस्त। तो ये जो आपने सारे काम, ये जो स्कल्पचर प्रोजेक्ट ये मैंने अभी रिसेंटली किया है। ओह वाओ, ये मैप है पाकिस्तान का। जी बिल्कुल। और उसके ऊपर MLC यानी कि मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट्स की सर्विसेज दिखाई गई है कि वो पाकिस्तान में क्या करते हैं, कैसे सर्विस देते हैं। अच्छा कितनी इनोवेटिव आइडियाज़ इनके थे और वो सारा कुछ उनके काम में नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली यू डिज़र्व दैट एंड बेस्ट ऑफ लक इन योर फ्यूचर, कि इंशाल्लाह आप बहुत आगे जाएं। और इसी के साथ बहुत मज़ेदार हमारी चिटचाट चलेगी बाकी के मेहमानों के से, और आज़ार ख़वातीन के हवाले से, ख़वातीन का आलमी दिन है और उनके काम को सराहना है, उनके काम को डिस्कस करना है और दूसरों को ये बताना है कि ख़वातीन को किसी से कमतर ना समझें, और जब कभी आपको ये पता चले कि वो इस तरह का हुनर रखती हैं तो उनको हमेशा अप्रिशिएट करें और इन्हें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। अभी बहुत कुछ हमने बात करनी है आज के दिन के हवाले से, लेकिन फिलहाल यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस। जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। ख़वातीन का आलमी दिन आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे तो एक दिन नहीं होना चाहिए, रोज़ हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि जितनी भी ख़वातीन हार्डवर्क कर रही हैं और मुख्तलिफ फील्ड्स में बाहर निकल कर अपने घरों से काम कर रही हैं, तो उनको रोज़ अप्रिशिएट करना चाहिए। बट द थिंग इज़ कि आज हम इसको प्रॉपर तरीके से जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं विद द थीम वेमेन इन लीडरशिप। मैं आगे बढ़ूँगी लारिब, आपकी तरफ आऊँगी। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, लेकिन सबसे पहले जो एक बड़ा पॉइंट मेरे जहन में था वो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो आपकी स्पेसिफिक फील्ड है, ठीक है, इसमें आप क्या समझती हैं कि अगर एक औरत आना चाहे, खातून आना चाहे, तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, किन किन तरीके से वो बिल्कुल प्रॉपर तैयार हो कि वो इस फील्ड में कदम रख के अपने आप को जो है वो मनवा सके। अभी पाकिस्तान कस्टम्स में ऑलरेडी बहुत फीमेल ऑफिसर्स हैं जो बहुत सीनियर लेवल पर सर्व कर रही हैं, तो इसमें जैसे CSS का एग्ज़ाम की उसकी प्रेपरेशन करें आप, उसमें कोई 6 to 8 months रिक्वायर्ड होते हैं, बड़ी एक कम्पेटिटिव एग्ज़ाम वो भी, और बड़ा हार्ड काम होगा उसको करना, तो वो उसके बाद फिर अगर इफ़ यू आर सेलेक्टेड, ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एग्ज़ाम्स होते हैं और वो फिर मेरिट बेस्ड सिलेक्शंस होती हैं इसमें। अच्छा अच्छा, मैं चाहूँगी कि आप अपने एक्सपीरियंस को रिलेट करें इस चीज़ से कि आपने कौन कौन सी हार्डशिप्स फेस की, उसके बाद आपको क्या लगा कि ये क्वालिटी मेरे अंदर है तो मैं इस प्रोफेशन में आ सकती हूँ, या क्या ऐसी लैकिंग आपके अंदर थी जो आपने उसको बेहतर बना के अपने आप को इस काबिल बनाया? बिल्कुल, मेरी एक कज़न है जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, वो ऑलरेडी सिविल सर्विस में हैं, तो मुझे लगा उन्हें देख के एक एम्पावरमेंट की फीलिंग बहुत ज़्यादा मुझे आती थी, तो अच्छा। मैंने उन्हें देखे एज एन इंस्पिरेशन थी वो मेरे लिए, फिर मुझे लगा कि मैं भी फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ पावर, सिविल सर्विस में आप आते हैं तो आप एक पावरफुल पोजीशन से सर्व कर रहे होते हैं, तो ये मेरे लिए एक इंस्पिरेशन थी कि अपनी सोसाइटी के लिए, मुल्क के लिए कुछ बेहतर तभी कर सकते हैं जब हमारे पास वो अथॉरिटी होगी। बिल्कुल, तो सिविल सर्विस ये अथॉरिटी ऑफर करती है कि आप चेंजेस ला सकते हैं, बहुत सारी जो पॉजिटिव चेंजेस जो आप देखना चाहते हैं। आपने क्या क्या चेंज आया?
चेंज आया, आई एम मोर डेडिकेटेड और अब मुझे लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एक एबिलिटी है वो आफ्टर जॉइनिंग सर्विस मेरे अंदर इम्प्रूव हुई है। अच्छा, तो जो आपका अभी पोस्ट है उसमें आपका क्या काम होता है? बेसिकली कस्टम्स में आपको पता होगा कि अपने नेशनल बॉर्डर्स को गार्ड करना, अच्छा, और रेवेन्यू कलेक्शन और फैसिलिटेशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पीपल। तो ये बेसिक हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन है। सही, बड़ी मुश्किल जॉब है। ओए होए, हर जगह नजर रखनी पड़ती है, ईगल आए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। साथ ही आपकी तरफ आऊंगी, एज अ बैंकर मैं जरूर आपसे ये बात जानना चाहूंगी कि अगर हम ये पूछें कि पाकिस्तान इकोनॉमी में खवातीन का किरदार आपकी नज़र में क्या है और कितना अहम है? मैं यहाँ पे एक बड़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगी। अकॉर्डिंग टू IMF, पाकिस्तान्स इकॉनमी कैन बी इंक्रीज्ड 30% इफ वुमेन आर एम्पावर्ड। सो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं हमारे मुल्क की खावतीन अगर उनको थोड़ी सी ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएं, लाइक एजुकेशन के अंदर सही इन्वायरमेंट उनको इतना कंफर्टेबल प्रोवाइड किया जाए कि वो कंफर्टेबली घर से निकल के बाहर आएं सही और अपनी सलाहियतों का इजहार कर सकें, क्योंकि हमारी खवातीन के पास बहुत टैलेंट है। बिल्कुल भाई, और हम इतनी मल्टीटास्किंग है, घर में रहकर आप देखें ना कि एक वक्त में कितने काम हम कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, मल्टीटास्किंग के अलावा वी आर द बेस्ट वन who can maintain the balance between work and home. और सबसे बड़ी बात, टॉलरेंस लेवल हमारे ऊपर, हमारा जो होता है ना, उम्र हजरात से ज्यादा होता है। In every matter. है ना, हमें पता होता है कि किस वक्त हम काम सिचुएशन को मजीद हैंडल कर सकते हैं और किस किस तरह का कस्टमर हमारे पास आता है और फिर उनको डील करने के लिए कितनी देर तक मुस्कुराना पड़ता है। वी नो दैट बेटर, वेरी राइट, वेरी राइट, ट्रू। आपकी तरफ आऊंगी, ये बताइएगा कि जाहिर सी बात है कि जो प्रोफेशन आपने चूज किया उसमें बड़ी लगन, बड़ा मेहनत और एक स्पेसिफिक टाइम चाहिए होता है जो सिर्फ आपके काम को जो है वो करने में लग जाता है। लेकिन एक औरत के लिए डोंट यू थिंक कि ये इतना मुश्किल है कि वो साथ साथ अपना घर भी संभाल रही है, बच्चे, मियाँ, और उसके बाद फिर अपने प्रोफेशन को भी लुक आफ्टर कर रही है? ऐसा है कि ये जो शायरी है या आप कह दें राइटर हैं या जैसे इनका काम है, ये सब इंसान के अंदर होता है ये हुनर। ये आप कहीं से सीखते नहीं या इसको कोई वक्त नहीं देना होता। ओके, ये खुद ही होता है। हमारी फैमिली भी ऐसी है, अदबी घराने इस तरह, माशाल्लाह। हाँ जी, सब लोग। तो इस वजह से मुझे ये इतना मुश्किल नहीं लगा। ये तुकबंदी मैं अपने पास से ही करती रहती हूँ। तो ये बचपन से आपको शौक था या शादी के बाद आपको समझ में आया? क्योंकि जाहिर है आपके घर में माहौल जो आपने बताया, फिर आपके जो हस्बैंड हैं वो भी माहिर हैं। जी जी, वो पब्लिशर हैं और मैं, तो ये है कि मैं, आप लिखती गई वो पब्लिश करते गए। नहीं नहीं, बहुत कम किया। ये बात तो है, घर की मुर्गी दाल बराबर। मैंने बच्चों की किताबें लिखी माशाल्लाह और बच्चों को बहुत टाइम दिया। उसके बाद मैंने फिर शायरी की दो किताबें लिखी हैं, ये मोहब्बतों के बाद और आईने में गुलाब, सही, ये दो लिखी। तो इसके लिए मैं ख़ास तौर से बैठ के और लिखती नहीं थी, बल्कि ये जहन में ही बस मेरे ना आ गया तो मैंने, हाँ जी हाँ, तो वो मैं फिर। तो मोस्टली जो आप लिखती हैं वो बच्चों से रिलेटेड होते हैं आपके सब्जेक्ट्स? नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चों के लिए अलग किताबें, बच्चों का अलग एक माइंड सेट होता है ना, उनके मुताबिक हमने लिखना होता है। और जो बड़े होते हैं वो शायरी है उनकी, तो फिर नौजवानों की चीज़ है। बिल्कुल, या बड़ों की चीज़ है तो वो उनके लिए अलग। फिर मैं सही, तो कुछ सुनाए ना हमें प्लीज़, चाहे कोई नज़म, कोई गज़ल जो आपकी अपनी है खुद की। मैं अभी, आप लोग बात कर रहे थे तो मैं ये कह रही थी कि जिस तरह आप लोग बैठे हैं, बड़ी प्रिविलेज क्लास बैठी हुई है इस वक्त, वरना बच्चियाँ जो हैं अभी भी बहुत पीछे हैं, अभी भी उनको ना तो विरासत में हिस्सा मिलता है, और जिस घर में रह रही होती हैं 25-26 अब तो उससे भी ज़्यादा हो जाती हैं, तो कहते हैं जब अपने घर जाओगी तो ये कर लेना। ये जिंदगी तो गुजर गई। हाँ, अब अगर वहाँ उस घर में जाके आपको ना करने दिया जाए फिर क्या करेंगे? और ज़्यादातर
तो मैं ये थोड़ा सा इसलिए मैंने बहुत पहले ही अपना घर अलहदा कर लिया था माई ओन वो अच्छी बात ये आ जाती है ना कि हमारे अंदर अब हमारा कॉन्फिडेंस जो है ना वो हमें आगे लेके चलता है वरना काफी सारी लड़कियों को मैंने देखा है कि उनका कॉन्फिडेंस इतना मार दिया जाता है उन्हें डिस्करेज कर करके कि अगर वो करना भी चाहें तो वो उनके अंदर एक डर और खौफ होता है कि अगर हम मुआशरे में निकल कर आएंगे तो लोगों की बातें ना सच हो जाएं हम हार ना जाएं हम पीछे ना रह जाएं तो ये आपके हुनर को वहाँ खत्म कर देता है खत्म और मैं कहती हूँ कि डिस्करेज जब किया जाता ना तो फिर जो डिस्करेज करने वाले हैं वो ब्लेम भी अपने ऊपर रखा करें जब वो बच्ची कुछ गलत करे तो क्योंकि आपने उसे इतना शोर दिया ही नहीं कि वो पहचान सके गलत क्या है और सही क्या है बिल्कुल बिल्कुल जी मैम ये थोड़ा सा सुना दे जरूर क्यों नहीं वारफ़त की ये शौक की उनको खबर नहीं वाह वारफ़त की ये शौक की उनको खबर नहीं शामे गमे फराक की कोई सहर नहीं क्या बात है क्या बात रुख पर तुम्हारे ठहर गई और बात है वाह रुख पर तुम्हारे ठहर गई और बात है देखे किसी की समत ये ऐसी नजर नहीं वाह 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 बेटी हूँ इसलिए है ये इतनी बड़ी सजा कमाल सही बेटी हूँ इसलिए है ये इतनी बड़ी सजा रहती हूँ जिस मकान में वो मेरा घर नहीं कमाल कमाल सो ब्यूटीफुल थैंक यू सो मच अपना भी जिंदगी में अजब हाल ज़ार है अपना भी जिंदगी में अजब हाल ज़ार है उड़ने की आरजू है मगर बालों पर नहीं बहुत शुक्रिया वाकई ये आपने हाले दिल जो है ना ये सारी लड़कियों का आपने बयान इस अंदाज में किया है कि सही बात है कि हमें वो फैसिलिटेशंस वो ज़राए नहीं मिल पाते अगर हमारे घर वालों को भी पता चल जाता है कि हम ये करना चाहते हैं तो वो और हम पर एम्बार्गो लगा देते हैं कि कहीं ये माशरे में निकल के ख़राब ना हो जाए तो अगर हमें मौका नहीं मिलेगा तो हम कैसे साबित करेंगे कि हम भी कुछ करके दिखा सकते हैं और बिना ख़राब हुए हुए बिना ख़राब हुए बिल्कुल बिना ख़राब हुए हुए मॉक माय वर्ड्स और बिना ख़राब होने की मिसालें भी नहीं हैं बिल्कुल ये एक बस ऐसे ही जहन में बैठ गया कि खराब हो जाएगी खराब और सही भी तो हम ही ने तय करना ना कि ये चीज खराब और ये ठीक ट्रू दैट रिफत ये जरूर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आने वाली नस्ल को जो जितनी भी यंग जनरेशन है खासतौर पे खवातीन जो यंग लड़कियां और इस फील्ड में आना चाहती हैं उनको क्या कहोगी कि किन किन चीज़ों में उनको माहिर होना चाहिए और कैसे वो अपने इस टैलेंट को जो है पहचाने माहिर के हवाले से मैं बात तो सबसे पहले फिर वापस आ जाऊंगी कि हम बेसिक जब शुरुआत करते हैं तो माशा सबसे आगे आ जाता है राइट तो मैं चाहूंगी कि माशे में मर्द और जन दोनों आधे आधे हैं आधों आधों से मिलके एक माशा तश्कील पा रहा है वाकई तो जब हम आधे हैं तो हमें अगर हम एक आधी चीज को समझ लेते हैं तो आधे तो हम खुद बिल्कुल तो हमने पूरा समझ लिया माशे को तो बेहतर यह है कि मत से आगे बढ़कर चलने की ख्वाहिश को छोड़ दें मत से पीछे रहकर चलने की ख्वाहिश को छोड़ दें बल्कि उसके साथ साथ चलें क्या बात बराबर बराबर चलें क्या बात मजा आएगा क्या बात है लारिब आज के दिन के हवाले से आप क्या ख्वातीन को मैसेज देना चाहेंगी मैं कहना चाहती हूँ कि ख्वातीन बच्चियाँ अपने अंदर की सलाहियतें पहचानें और कॉन्फिडेंट रहें कि वो जिंदगी में जो सोचती हैं वो अचीव कर सकती हैं ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई भी सलाहियत है वो कम है किस मर्दों से या चाहे उनकी सोसाइटी जिस सोसाइटी में वो रह रही हैं वो जो मर्ज़ी उन्हें बता रही है कि आपकी एबिलिटीज़ आप ये नहीं कर सकते आप इस फील्ड में नहीं जा सकते ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल आप जो सोच लें जो आपकी आँखें ख्वाब देख लें वो आप पूरा कर सकते हैं उनको पूरा कर सकते हैं अगर आप चाहें तो ये बात तो हकीकत है सादिया आप क्या आज के दिन के हवाले से कहेंगी मैं सब ख्वातीन को एक मैसेज ये देना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर निकल के ही कुछ कर सकती हैं आप सिर्फ अपने आप को ये समझा दें कि हमने कुछ करना है कुछ हमने करना काम है। करना है वो काम आप घर में रह के भी कर सकती हैं आप एज अ स्मॉल एंटरप्रेन्योर कर सकती हैं काम वो आप बाहर निकल के जॉब भी कर सकती हैं वो आप मैम लारिब की तरह इस फील्ड में भी आ सकती हैं आप बैंकिंग में भी आ सकती हैं सो स्काई इज़ द लिमिट बिल्कुल बस करना ज़रूर है करना ज़रूर है और जो आपके अंदर सलाहियत है
उसको आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ लेकर आगे चलें, दूसरों का सोचना बिल्कुल छोड़ दें कि कोई आपके बारे में ये कहेगा, कोई वो कहेगा, क्योंकि अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम आएगी तो वही चार लोग जो बातें बना रहे थे वो आपको आपका घर आके नहीं चलाएंगे, आपको जो है पैसा नहीं देंगे, आपको खुशियाँ ला कर नहीं दे सकते. दिस इज़ यू जो दुनिया में कुछ भी बदल सकती है. मैम आप क्या कहेंगी? मैं तो जरा नज़मी अंदाज में शायरी अंदाज शायराना. हाँ, इजाज़त है आपकी? बिल्कुल इजाज़त है. हौसलों को आजमाना चाहिए, हौसलों को आजमाना चाहिए, अब तो उसको भूल जाना चाहिए. वाह. जुल्म सह सह कर गुजारी जिंदगी, जुल्म सह सह कर गुजारी जिंदगी, अब हमें भी सर उठाना चाहिए. क्या बात, क्या बात. सामने दरिया है ठाठे मारता, आहा, सामने दरिया है ठाठे मारता, सोच कर कुछ घर बनाना चाहिए. वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, ज़बरदस्त. और वाकई आज का जो हमारा ये ख़वातीन का आलमी दिन है, हमारे लिए तो बड़ा फ़ख्र है कि हम कहीं ना कहीं किसी पोस्ट पर, पोजीशन पर मौजूद हैं. और अगर इवन मैं अपनी बात भी करूं तो शुरू में बड़ा डर लगता था कि किस तरह से चीज़ें मैनेज होंगी, बच्चे हैं, मियाँ हैं, घर हैं, देन प्रोफेशन है, फिर अम्मा अब्बा की भी जिम्मेदारी है. तो आपके अंदर जब तक आप खुद तय नहीं कर लेते ना कि आप सारी चीज़ें, और टाइम मैनेजमेंट हमारे अंदर भरा हुआ है, सिर्फ उसके तराश के बाहर निकालना है कि फिर आप सारी चीज़ें प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं, आपने किसको कितनी टाइम देना है, किस तरह से मैनेज करना है चीज़ों को, आप कर सकते हैं. और ये तभी आता है जब आपका अपने अंदर का जो कॉन्फिडेंस होना वो बाहर निकल जहाँ रहा है. आपने टाइम मैनेजमेंट की बात की तो उसकी तो मैं गवाऊं कि 2 साल में आपने माशाल्लाह बहुत तरक्की. वक्त के साथ साथ बंदा सीखता है और सीखने की कोई लिमिट नहीं है. हम मेरी तो खैर कोई नेचर है कि कोई मुझे अगर बात क्रिटिसाइज भी करके बोलता है मैं उसको एज अ पॉजिटिव बात लेती हूँ कि शायद मेरे अंदर ये बुराई है, इसे मुझे सुधारना है, ना कि वो गलत बोल रहा है. आज मैं आपको देख के शॉक हुई हूं. थैंक यू, थैंक यू सो मच. आई फील भी वैसे बहुत क्रिटिकल है. आई नो. व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस यू हैव फेस्ड? वैसे देखा जाए तो कोई चैलेंज अल्लाह का शुक्र फेस नहीं किया, बिकॉज व्हेन आई जॉइंड माय मदर फादर सपोर्टेड मी अ लॉट. और उनका हमेशा से यही था कि हमारी बेटी जो भी करेगी वो हमारा फ़ख्र बनेगी. फिर उसके बाद जब शादी हुई तो वही एग्जैक्टली जो बिलीव था मेरा वो ट्रांसफ़र मेरे हस्बैंड में हो गया. एग्जैक्टली. उन्होंने मुझे लम्हा बा लम्हा सपोर्ट किया. वरना जबकि मुझे एक बात याद है, जब मेरे बेबीज़ हुए तो आई गॉट सो फैट और मैंने अपना ये छोड़ दिया था फील्ड. अब इस फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रूम होकर एंड देन लुक वाइज बहुत अच्छा, तो समटाइम्स आई क्राइड अ लॉट कि पता नहीं मैं दोबारा से काम कर सकूंगी कि नहीं कर सकूंगी. बट उस वक्त मेरे हस्बैंड ने मुझे जो मेरे ख्याल से आपके हस्बैंड ने ज़्यादा सपोर्ट किया. यस. एंड उन्होंने कहा नहीं तुम करोगी और आई विल सपोर्ट यू फॉर दैट. एंड देखें आज मैं फिर यहाँ पे मौजूद हूँ एंड ही इज स्टिल विद मी. तो और मैं समझती हूँ कि इनके हस्बैंड की जो इनका हस्बैंड का जो हाथ है बहुत सारी लड़कियों की कामयाबी की. ओह यस. नहीं, हस्बैंड के बगैर भी जिस तरह बाप की सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकते, इस तरह हस्बैंड के बगैर भी बिल्कुल. इवन मेरा भाई, मैं शुरू में कहीं अपनी शूट्स वगैरह पे जाती थी तो बकायदा मेरा भाई मेरे साथ जाता था और मैं जब भी मेरे जितनी देर शो रहता था वो बेचारा वेट करता था मेरे लिए. बिकॉज शुरू शुरू में अम्मी थोड़ी सी घबराती थी कि मीडिया है और कभी रात में भी जाना पड़ जाता था, शूट्स वगैरह ऐसी होती थी. तो एवरीबडी सपोर्टेड मी. तो अल्लाह का शुक्र, आई एम द ब्लेस्ड पर्सन इन गिवन. और फिर दोस्त भी ऐसे मिले कि हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया, कभी कोई जेलेसी नहीं आई, कोई ऐसी फीलिंग नहीं आई कि कोई मुझे ओवरकम करके आगे बढ़ना चाहता है. तो आई एम सो मच गिवन. सो थैंक यू अल्लाह मिया फॉर एवरीथिंग. तो जनाब थैंक यू सो मच टू आप लोगों का भी, लारेब, रिफत, सादिया, आसमा जी, एंड आपके लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा. एंड प्राउड ऑफ यू ऑल. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. लेकिन नाज़रीन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, बिकॉज अभी ये वुमेन डे की जो हमारी सेलिब्रेशन हैं ये ख़त्म नहीं हुई हैं. अभी हम यहाँ पर एक छोटा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इस पर मज़ीद और मेहमानों साहब की मुलाकात होगी और वुमेन डे को आज सही से सेलिब्रेट करेंगे. जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक. ख़वातीन का आलमी दिन आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है. मुख्तलिफ शोबों से जब ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं और वुमेन इन लीडरशिप जिसको हम एज अ थीम आज लेकर चल रहे हैं और उस पर जब बात कर रहे हैं तो बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हम, हमारी सोच कितनी लिबरल है, कितनी अच्छी है. हम अभी भी ये नहीं कहते कि जी हम किस बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं, बट द थिंग इज़ कि हम शाना बशाना चलने के काबिल बन चुके हैं. और वो हमारे पीछे की हमारी तरबियत, हमारी सपोर्ट,
सपोर्ट, एवरीथिंग मैटर्स। साथ साथ ये आ जाता है कि जहाँ हम बात करते हैं ख़वातीन के हवाले से, वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आता है हमारे फ्रंट लाइन ऑफिसर्स का, वो भी मुख्तलिफ शोबों से रिलेट करते हैं। आज जिस सेगमेंट में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं वो भी अपने फ्रंट लाइन ऑफिसर्स ही हैं। चाहे कोई भी सिनेरियो, अभी तो हम रिसेंटली अगर कोविड की बात करें उसमें बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ी। मर्द हज़रात के लिए फिर भी थोड़ा सा आसान था करना, लेकिन ख़वातीन के लिए बड़ा मुश्किल। और इसी तरीके से बहुत मुख्तलिफ फील्ड्स होती हैं जिसमें हमारी जो ख़वातीन हैं वो आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और अपने आप को मनवाती हैं, और ये साबित करती हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं। हमारे अंदर भी ये सलाहियत मौजूद है कि हम दूसरों को ट्रेन कर सकें, एक मुआशरा खड़ा कर सकें। आगे बढ़ेंगे, मेहमानों से तारुफ़ करवाऊँगी। सबसे पहले जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, जो मैं फ्रंट लाइन ऑफिसर्स की बात कर रही थी, शी इज़ वन ऑफ़ देम, और अपना काम बखूबी अंजाम दे रही हैं। हमारे मुल्क का वो फ़ख्र हैं और इस तरह की बहुत सारी लड़कियों की वो इंस्पिरेशन भी हैं जो इस फील्ड में आना चाहती हैं। तो आइए वेलकम करते हैं हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है सीनियर पेट्रोल ऑफिसर नबीला यास्मीन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया कि अपना कीमती वक्त निकाला आपने और आप हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ इनवाइट किया। नहीं जी, थैंक यू सो मच। और आज हम आपके तवस्सुत से अपनी आवाम से बात करें। बेशक। अच्छा जी, अगली हमारी जो मेहमान है ये एक नेशन को बिल्ड करने में बहुत अहम किरदार है इनका। घर के साथ साथ बच्चों को तरबियत देना बड़ा एक मुश्किल काम होता है और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अपने बच्चे को तो हम अच्छी और बुरी बात समझाते हैं, हर लिहाज से समझाते हैं, मुख्तलिफ तरीक़े भी अपनाते हैं, लेकिन इनका जो प्रोफेशन है इसमें किस तरह से ये बच्चों को एक अच्छी और सही बात समझा सकें, उनको अपने मुल्क का सासा बना सकें और आगे इन फ्यूचर उनका एक अच्छा सा एक उनको रिप्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंटेबल बनाना बड़ा ज़रूरी होता है और उस पर बड़ी उनकी मेहनत भी लगती है। एक स्कूल की प्रिंसिपल हैं, स्कूल जो है हमारा वो है पार्क तुर्क मारिफ स्कूल, आपने नाम सुना होगा, तो वहाँ की प्रिंसिपल आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो उन्हें वेलकम करते हैं। ज़रफ़िशा दानसा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। आज आपने बड़े अच्छे दिन पे हम आपका दिन है ये। हमें आपने हमारे दिन पे हमें याद किया, बहुत शुक्रिया। यू डिजर्व दैट, और आज जरूरी था आप लोगों को बुलाना ताकि आप लोगों को अप्रिशिएट हम सब पूरी कौम मिलकर कर सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। इसी के साथ जो हमारी अगली मेहमान है उनका भी काम अगर देखा जाए तो हर कोई ये काम नहीं कर सकता, और जिस एफर्ट्स के साथ वो ये काम करती हैं उनको वाकई हम सबका सैल्यूट है। और हम अपने घर में जब होते हैं, अपने घर में हम ज़रा सा कोई काम करते हैं या किसी को फ़र्ज़ करें आपने कोई काम बोल दिया तो हम थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि किसी और का काम हम क्यों करें, हमने फ़र्ज़ करें अपना कमरा साफ़ करना है, किसी और का करना है तो हमें होता है कि हम क्यों करें, वो अपना कमरा ख़ुद साफ़ करें। ये एक अंदर बिल्ट इन जो चीज़ होती है वो जाती है, लेकिन वो पूरी कौम के लिए जो है वो हेल्प आउट करती हैं, उनका काम करती हैं ऊपर से लेके नीचे तक, उनकी एक एक चीज़ का ख्याल रखना, उनकी सफाई का ख्याल, उनके खाने पीने का, उनकी मेडिसिन का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नर्सिंग ऑफिसर की, एंड शी इज़ अ ग्रेट ऑफिसर, एंड जिस तरह से वो सर्व कर रही हैं उनको भी वाकई हमारा सल्यूट है। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं शगुफ्ता हशमत। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। एंड आप सबको ख़वातीन का आलमी दिन बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। और जैसे मैं फ्रंट लाइन ऑफिसर्स की बात कर रही थी तो आप लोगों का जो काम है वाकई इस तरह का है कि हर इंसान उस काम की तरफ नहीं जा सकता, लेकिन ज़रूर मैं आपसे ये बात जानना चाहूँगी कि एज अ सीनियर ऑफिसर बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स आपने देखे, बहुत सारी हार्डशिप्स देखी, लेकिन मैं सबसे पहला जो मेरा सवाल होगा आज की थीम के लिहाज से होगा कि आज की जो हमारी थीम है वुमेन इन लीडरशिप, इसको आप किस तरह देखती हैं? वीमेन इन लीडरशिप, ऑब्वियसली पूरी दुनिया इस पर काम कर रही है, लेकिन पहले हम वीमेन एम्पावरमेंट की तरफ जाएं, फिर इसको थोड़ा इम्प्रूव करके लीडरशिप की तरफ आएं। पुलिस की जहाँ तक बात है तो हमारे पास तो लीडरशिप हमारी फीमेल जो है वो लीडरशिप में पार्टिसिपेट कर रही हैं, CSS करके भी ख़वातीन आ रही हैं, DIGs, SSPs, SPs और इसके अलावा जो दूसरे रैंक्स होते हैं उस पर भी काफ़ी अर्से से काम कर रही हैं। पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है पूरी दुनिया में, जहाँ कहीं भी आप पुलिस की बात करें, पुलिस बेसिकली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है। तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी मींस आप एम्पावर कर रहे हैं। बिल्कुल। और हम तो ये कहेंगे कि खुशकिस्मती होती है इसमें ख्वातीन की है कि इन्हें उतना ही एम्पावर किया जाता है जितना मेल को किया जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि FIR लिखने का हक,
तो अगर मेल ऑफिसर है तो उसका भी इतना ही है जितना फीमेल का है। सही। इन्वेस्टिगेशन अगर करनी है तो जितना मेल को अथॉरिटी होती है इतनी ही फीमेल की भी होती है। और अगर आप चालानिंग की तरफ आ जाएं, हेल्प्स की तरफ आ जाएं, तो मेल और फीमेल दोनों का एक जैसा है। तो पुलिस तो है ही लीडरशिप डिपार्टमेंट या एम्पावर्ड डिपार्टमेंट। क्या बात है। यही सवाल ज़र्फ़िशा आपसे करूँगी, लीडरशिप को आपका नज़रिया कैसे देखता है कि एक खातून की जो लीडरशिप होती है वो किस तरह और किन क्वालिटीज़ पे बेस करनी चाहिए? एज़ फार एज़ एजुकेशन इज़ कंसर्न, आई थिंक एजुकेशन सेक्टर इज़ द वन जो कि लीडर्स बना रहा है। बिल्कुल। अब लीडर्स बनाने के लिए डेफिनेटली मैं ये नहीं कहती कि कोई एक इंग्रेडिएंट इनफ है। उसमें सबसे पहले आपकी कैपेबिलिटीज़, फिर आपका नॉलेज, और फिर आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग, आपकी मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि इट्स अ मिक्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स। एक लीडर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और उस मेहनत के लिए डेफिनेटली टीचर्स दे आर प्लेइंग देयर रोल। और आप अगर सिर्फ लीडर की बात करते हैं, मैं अगर पूरी नेशन की बात करूँ तो शायद नेशन बनाने में ही एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा अमल दखल है। ये बात तो सही की। और सम हाउ एजुकेशन सेक्टर, क्योंकि मोस्टली हमारे सोसाइटी में फीमेल्स का परसेंटेज ज़्यादा है जो कि एजुकेशन सेक्टर को ज्वाइन करती हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सारा रोल हमारे पास ही है। सारी पावर हमारे पास है। शगुफ्ता, आप बताइएगा कि आज जो हमारी थीम है ख्वातीन के हवाले से, एक लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है वो अगर देखा जाए होती सब में, लेकिन निकालना बड़ा मुश्किल होती है या उसको समझना बड़ा मुश्किल है, आपका नज़रिया क्या कहता है इस बारे में? अब देखिए, एक लीडर जो होता है वो घर से ही बनना शुरू हो जाता है। एक फीमेल जब जॉब के लिए सेलेक्ट हो जाती है तो समझे कि वो उसके घर से उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ डाल दी गई हैं, तभी वो बाहर आई है। और नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको पता है कि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं। बहुत कम ख़वातीन इस तरफ आना चाहती हैं, क्योंकि मर्दों के शाना बशाना चलना, काम करना बहुत ही मुश्किल है इस शोबे में। तो ख़वातीन इसमें बेसिकली नर्सिंग में आप देख लें शुरू से ही लीडर, बड़ा दिल गुर्दा चाहिए ना हर चीज़ को फेस करने का, हर किस्म की क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करने का। और नर्सिस सबसे ज़्यादा वो शोभा है जो क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त कर रहा है। हर किसी का गुस्सा जो है हॉस्पिटल्स में नर्सिस पे निकल रहा होता है, खासतौर पर पेशेंट्स का। बिल्कुल। और उनके अटेंडेंट्स का भी देखें, वो सब फेस कर रही होती हैं। तो नर्सिस लीडर्स हैं, और देखें एक पेशेंट की केयर में वो कितना अच्छा रोल प्ले कर रही होती हैं, एज अ लीडर करके भेज देती हैं, डिसीजन मेकर होती हैं वो। मतलब उस वक्त पेशेंट का डिसीजन लेना सबसे मुश्किल होता है ये बात उस सिचुएशन में, तो जाहिर है कि वो लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं तो वो परफॉर्म कर रही होती है। सही बात है। ना दिन देखा ना रात देखी, पेशेंट की तिमारदारी में आपने अपना वक्त वक्फ कर दिया, ना आपको सोने का आपको पता, ना खाने पीने का कोई ख्याल, तो आप तो खुद अपने आप को आपने बिछा दिया कि आपने डिवोशन जो आपका कहेंगी ना काम के लिए। सही। आपकी तरफ नबीला फिर से आऊँगी। अगर हम इस हकीकत को फेस करना चाहें कि जी जब ऑफिसर्स की बात आती है या फिर पुलिस की या कितनी भी इन्फोर्समेंट्स की, तो हमारी जो इमेज है हमारी नज़रों में वो थोड़ी इतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद ख़वातीन को किस तरह से रिस्पेक्ट मिलती है, या फिर जिस तरह से आप कह रही हैं शाना बशाना में ड्यूटीज़ भी बिल्कुल सिमिलर हैं, उनको हक भी वैसा ही मिलता है, तो पहले के वक्त से अब तक में जो डिफरेंस आपने फ़ेस किया या आपने एक्सपीरियंस किया, ज़रा उसके बारे में बताइएगा। देखिए जी, मैं पुलिस में आने से पहले के एक्सपीरियंस को और पुलिस ज्वाइन करने के बाद का एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस सोसाइटी का एटीट्यूड आपके साथ, सही, तो बहुत फ़र्क होता है। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि मैं एक दफ़ा अपनी ड्यूटी एंड करने के बाद मियाँ मेरे मुझे पिक करने नहीं आ पा रहे थे। अच्छा। तो मैं साइट पे खड़ी थी और मैंने अबाया पहन लिया। अच्छा, यूनिफॉर्म नहीं दिख रही थी? हाँ जी, मेरी यूनिफॉर्म नहीं दिख रही थी, तो मैंने अबाया पहन लिया कि अब मैं अबाया पहन के किसी टैक्सी को रोकूँ। यूनिफॉर्म में तो ऑब्वियसली मुझे ट्रैवल नहीं करना चाहिए, अपनी पहचान मुझे छुपानी है। तो आप यकीन करें वो दो चार मिनट के टाइम में मेरे पास गाड़ियाँ रुकी, और फिर जब रिस्पांस नहीं मिलता था तो चली जाती थी। और उसी एरिया में मैं जब पेट्रोलिंग ड्यूटी करती थी यूनिफॉर्म में, जब मेरे शोल्डर पर लिखा होता था पुलिस, तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होती हिम्मत नहीं होती थी। तो ये सोचना कि जी पुलिस इमेज, इमेज तो हमारे अपने रवैये से बनता है। अब मोटरवे पुलिस जब से आई है
हम सॉफ्ट पुलिसिंग करते हैं, हमारा इमेज जो है वो बहुत बेहतर है। बल्कि मैं तो कहती हूँ अब तमाम तरह की पुलिस का इमेज आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि किसी आप इमेज देखें जी इस डिपार्टमेंट का इमेज ठीक नहीं है तो आप इसको ज्वाइन ना करें, क्यों ना करें। बिल्कुल सही, आप आएँ और आप देखें, ज्वाइन करने के बाद आपको पता चलता है। मैं भी जब मैंने पुलिस ज्वाइन नहीं की थी, अभी वो उस फेज़ में थी जिसमें रिक्रूटमेंट हो रही होती है, तो मुझे बहुत से लोगों ने मशवरा दिया कि जी आप ना जाएं, ऐसे होता है वैसे होता है। तो मैंने यही सोचा कि चलो ना हुआ तो फिर छोड़ देंगे, अगर ऐसा कुछ हुआ हाँ। दूसरों के कहने पे क्यों जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करते वो आप किसी और को बात के ऊपर आकर फिर आप यकीन कैसे कर सकते हैं, वो तो फिर बेवकूफी हुई। ऐसे ही आज 19 साल गुजर चुके हैं मुझे, माशाल्लाह। तो मैं तो 19 साल गुजरने के बाद भी कहती हूँ कि पुलिस से अच्छा डिपार्टमेंट मुझे कोई, बीइंग फीमेल अपने लिए मैं बात कर रही हूं, क्योंकि वो चीज आपके अंदर थी, वो जो एक अच्छाई और सर्व करना अपने मुल्क के लिए एक अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ किसी दूसरे को भी उसी अच्छे नजरिए से देखना, वो आपके अंदर था। ऐसे ही है, जैसे आप चाहोगे दुनिया अच्छा आपको और बुरा अंदर से ही निकलता है। बिल्कुल सही बात है। जहाँ हम अभी बात कर रहे थे कौम के हवाले से, कौम की तरबियत के हवाले से, तो एक एज ए प्रिंसिपल बड़ी जिम्मेदारी होती है कि कौम को आपने जो है प्रिपेयर करना है आगे मुआशरे में निकलकर बहुत मुख्तलिफ शोबों में जाने के लिए, एक अपनी पहचान बनाने के लिए। तो इस तरबियत में आप किस तरह से अपना एफर्ट लेकर आती हैं और क्या क्या आप समझती हैं कि चीज़ें होनी चाहिए जो इसमें कामयाबी आपको मिले? देखिए, अगर हम नॉलेज इम्पार्ट करना तो एक मस्त चीज़ है, सीधी सी बात है, जो करिकुलम है वो तो आपने पढ़ाना ही पढ़ाना है बच्चों को। सही, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आप गलत और सही की तमीज़ सिखा दें। अगर आप गलत और सही की तो बच्चों को तमीज़ सिखा दें तो आई एम श्योर वो बच्चा कहीं पे भी मार नहीं खाता। हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इस चीज़ से डरते हैं और हम सिर्फ बच्चों को एजुकेशन नॉलेज दे रही होती है या आसान लफ्ज़ों में किताबी नॉलेज दे रहे होते हैं, लेकिन एक अभी जिस तरह आप बात कर रही हैं लीडर्स की या फिर वही बात है वुमेन्स एम्पावरमेंट की हम बात करें, तो हमें बच्चों को ये बताना है कि बेटा आपको लाइफ में जाके ये चैलेंजेस आएंगे और आपने इन चैलेंजेस को इस तरह से फेस करना है। उनको हकीकत दिखाएं, उनको बताएं कि आपने आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बजाय इसके कि ये डिस्कस मत किया जाए कि क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। देखिए, प्रॉब्लम्स लाइफ में आएंगे, सबके ही आते हैं, सबके आते हैं, हमें ये सिखाना है हाउ टू डील विद देम। एग्जैक्टली, तो अगर हम ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो डेफिनेटली बच्चा कभी भी जो है आगे किसी भी लेवल पे किसी भी प्रोफेशन में चला जाए तो वो जो है वो कभी भी मार नहीं खाता। बिल्कुल। और दूसरा जिस तरह अभी आप ही ने कहा कि सारे प्रोफेशन डेफिनेटली एजुकेशन से ही निकलते हैं, इन सारे एजुकेशन प्रोफेशन का ताल्लुक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। हम अगर इन बच्चों को सुन्नत नबी, आसान लफ्ज़ों में बात कहूँगी, वो पढ़ाना सिखा दें, वो उस पर अमल करना सिखा दें, तो बच्चा लाइफ में कभी भी नाकामयाब नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। और वही वाली चीज़ कि जो आप सिखा रही हैं उसके लिए आपको भी उस लेवल पर होना चाहिए, तभी हम आगे अपनी जो तालीमात हैं वो बच्चों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो तरबियत ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके लिए हमें खुद भी वैसा ही होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट। देखिए, बच्चे तो टीचर को रोल मॉडल समझते हैं। जो भी आपका टीचर बच्चे को जो कह रहा होता है ना, बच्चा यकीन करें वो एज इट इज़ फॉलो करते हैं। कई दफ़ा माँ बाप की बात इतनी अहमियत नहीं रखती बच्चों के लिए जो असातज़ा की। बिल्कुल ऐसा ही है। बीइंग अ प्रिंसिपल हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, अगर कोई टीचर क्लास में जिसको आदत है लाउड बोलने की, पूरी क्लास लाउड बोलती है, उन बच्चों में आदत हो जाती है। कोई टीचर हम्बल है, केयरिंग है, प्यार करने वाली है, पूरी क्लास का एटीट्यूड वही बन जाता है। वही बन जाता है। तो ये तो वही बात है कि 9-10 साल तक ही आपने बच्चे की पर्सनालिटी बिल्डिंग करनी है। मैं 14-15 साल के बच्चे को चेंज नहीं कर सकती। तो ये जो इनिशियल इयर्स ऑफ लाइफ होते हैं, अर्ली इयर्स जिसे हम कहते हैं, उन्हें मोल्ड किया जा सकता है। यही मोल्ड किया जा सकता है और वहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल टीचर का आता है। सेफ, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं शगुफ्ता आपकी तरफ आऊंगी। अभी हम बात भी कर रहे थे कोविड के हवाले से, बहुत ही मुश्किल दौर आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे गुजरा, क्योंकि बाकी सारे लोग तो अपने अपने घरों में बैठ गए थे, कोई ऑफिस नहीं जा रहा था, कोई अपनी प्रोफेशन को लीड नहीं कर रहा था, पर शायद ये एक वाहिद ऐसा प्रोफेशन था, उसके बाद तो हमारी माशाल्लाह से फोर्सेस भी इसी उसमें आ जाती कैटेगरी में। कोविड में आपने वहाँ पर रहकर अपने काम किए, किस तरह की हर्डल्स फेस की? एक डर और खौफ तो होता ही होगा कि भाई कोविड के पेशेंट्स आ रहे हैं, खुदा ना खास्ता हमें ना हो जाए, और ये जान का भी एक इसका वो था डर कि हाँ जी जान भी जा सकती है, तो किस तरह से मैनेज किया इसे?
कोविड के टाइम को बहुत मुश्किल से मैनेज किया बीइंग अ फीमेल, क्योंकि देखिए जब मैं घर से निकल रही होती थी मेरा फैमिली प्रेशर था कि जी आप ना जाएं, आप घर पे रुकें, क्योंकि आप वापस आएंगी तो आप अपने बच्चों में और घर वालों में ये चीज ट्रांसफर कर दें। ये चीज आपके अंदर भी डर होगा, सिर्फ घर वालों में नहीं, ये डर आपका भी होगा कि खुदा ना खास्ता मैं घर ले गई तो मेरे बच्चे भी हैं, मेरे घर में बड़े बूढ़े मेरा मियां सब हैं, तो मैं एक वजह बन सकती हूँ उनमें भी ट्रांसफर करने की। देखिये ये तो हमने जो ट्रेनिंग की है ना नर्सिंग में, इसमें जब हम ओथ लेते हैं तो उसमें ये चीजें हम समझ लेते हैं कि अब जब हम कौम के लिए सामने आ रहे हैं फ्रंट लाइन पे, ठीक है अब काम करना है हमें, तो जब हमें हमारी जरूरत पड़ गई है मुल्क को तो अब हम पीछे हट जाएं। डॉक्टर्स और नर्सेस ने इस वक्त बिल्कुल फौज वाला किरदार अदा किया, जंग वाला, ठीक है उस टाइम पे जब आपको मुल्क ने आपके ऊपर पैसा खर्च किया, आपको तरबियत दी है, ट्रेनिंग दी है, और जब आपकी जरूरत पड़ी और आप पीछे हट जाएं वो तो पॉसिबल नहीं है। हाँ लेकिन बैकग्राउंड में आप पे प्रेशर जरूर था फैमिली का, वो चाहते थे कि आप ना जाएं, ठीक है घर में जैसे सब लोग घर में रुक गए हैं हम भी रुक जाते हैं, कुछ टाइम है मुश्किल गुजर जाएगा, उसके बाद गुजर औकात हो जाएगा, जॉब की जरूरत नहीं है, जान से बढ़कर नहीं है, सही बात, ये सारी बातें तो फेस की हैं। लेकिन जब हॉस्पिटल गए हैं पेशेंट्स को देखा है तो फिर सब भूल गए हैं, पीछे घर को भूल गए हैं। यकीन करें कि उनको जिस तरह से उनको हमने केयर दी है ना, उनको जिन हालात में हमने फेस किया है, उनको जिस कंडीशन में हमने उनको लेके आए हैं वापस, नो डाउट बहुत मुश्किल काम किया। बिल्कुल जी, और इसी वजह से मैं कहती हूँ कि यू गाइज आर द फ्रंट लाइन ऑफिसर्स, और आप लोगों ने जिस तरह से आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अपनी जान जोखिम में डाली है ये सोचते हुए भी कि सिर्फ हम ही नहीं हमारी फैमिली भी इफेक्ट हो सकती है, उसके बावजूद आप लोगों ने जो है वो अपने काम को बेहतरीन अंदाज में सर अंजाम दिया है, और ये क्रेडिट वाकई आपको जाना चाहिए बिकॉज आप लोग सब ये डिजर्व करते हैं, एवरीबडी जिन्होंने इस तरह का काम किया, आप भी हो गई। अभी मज़ेदार सी गुफ्तगू चलती रहेगी बिकॉज खवातीन के हवाले से इस वक्त खवातीन भी बैठी हुई है तो हम चुप भी नहीं हो सकते हमारे पास बहुत कुछ है बोलने को और आज के दिन के हवाले से, लेकिन हम टू द पॉइंट ही बात करेंगे और जो बात सच है वो आपके सामने लेकर आएंगे। अभी गुफ्तगू जारी रहेगी और ये मजेदार सा हमारा सेगमेंट भी चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। खवातीन का आलमी दिन आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज हम सब के लिए बड़ा फ़ख्र है कि आज हम इस मुकाम पे हैं कि हम आज इस दिन को सेलिब्रेट कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ खवातीन जो माशरे में काम कर रही हैं, जो मुख्तलिफ़ फील्ड्स में हैं, उनको अप्रिशिएट करना हमारा फ़र्ज़ बनता है, और वाकई हम ख़ुद उसी जगह पर मौजूद हैं तो हमें पता है कि कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, किस तरह के हर्डल्स, किस तरह की बातें, किस तरह की सिचुएशंस। बात वहीं आ जाती है कि हमारे हम डिपेंडेंट होते हैं अपने बाकी मियाँ पर, माँ बाप पर, जिम्मेदारियों के साथ जुड़े हुए होते हैं, और उसके बाद फिर अगर हम मुआशरे में निकल कर कोई काम करते हैं तो हमारी ड्यूटीज़ डबल हो जाती हैं, घर की भी और बाहर की भी। फिर भी हम अगर वो सारी उन चीज़ों को बाखूबी निभा रहे हैं तो हमें वाकई अप्रिशिएट करना चाहिए और उन खवातीन को सल्यूट ज़रूर करना चाहिए जो ये काम कर रही हैं। आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन हो चुका है उनके ऊपर, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भी हम और आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। नबीला जी, एक चीज़ मैं आप ज़रूर पूछना चाहूँगी आपसे, कोविड का वक्त गुजरा और अभी भी मजीद गुजर रहा है, तो इस तरह की सिचुएशंस बनती होंगी कि जाहिर सी बात है कि जब आप ऑन ड्यूटी लोगों को रोकती होंगी तो आपके अंदर ये भी एक डर और खौफ हो सकता है। अब जैसे हमें बोला जाता है जब प्रिकॉशन मेजर्स होते हैं कि जी किसी चीज़ को टच नहीं करना, किसी के करीब सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, लेकिन आपकी ड्यूटी ऐसी थी कि आपने गाड़ी को रोका, हाथ लगाया, शीशा उतरवाया, किसी से बात करने के लिए खवातीन को टच पिक अप कर सकती हैं, उस दौरान जो ड्यूटी में आपको मेजर्स लेने पड़ते थे अपने आप को सेफ रखने के लिए, या क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती थी उस दौरान, वो एक्सपीरियंस जरा हमें हमारे साथ शेयर करें। देखिए जहाँ मोटरवे पुलिस की बात है तो मोटरवे पुलिस का तो ये है कि हम चालान के लिए ही रोकते हैं ज़्यादातर। हाँ अगर आम पुलिस के हवाले से देखें तो उन्हें लोगों को गिरफ्तार करना होता है। तो हमने तो जितनी मुमकिन थी SOPs हमने उन SOPs के साथ उनको इम्प्लीमेंट किया, और ऑब्वियसली कोशिश करते थे डिस्टेंस मेंटेन करें, क्योंकि इशू सिर्फ ये नहीं था कि हमें हो जाएगा, इशू ये भी था कि अगर हमें हो जाता है तो हमने आगे मजीद वायलेटर्स ट्रांसफर नहीं करना, सही। तो उनमें ये ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। ओके। इसके अलावा डिपार्टमेंट ने मास्क और जो जो चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कही हुई थी कि ये लाजमी है वो डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड किए, सैनिटाइजर्स होते थे, इवन हम तो पब्लिक को भी देते रहे, सही, कि अगर कहीं कोई ऐसी चीज़ आ भी जाए तो वो जिनको हमने चालान किया
तो उन्हीं को अगर हमने साथ ही सैनिटाइजर और पहले मास्क दे दिया कि जी मास्क आप पहन ले, सही, तो इससे एक अच्छा मैसेज भी गया और ऑब्वियसली ये स्प्रेड होने में से भी रुका। सही। अच्छा एक और चीज़ मुझे बताइएगा, अगर ट्रेनिंग के हवाले से बात करें तो आपकी और जो मर्द हजरात की थी उनकी सेव इकट्ठी ट्रेनिंग्स होती हैं? ट्रेनिंग इकट्ठी होती है जी, रेजिडेंस अलहदा होती है। अच्छा हाँ जी, ब्लॉक्स अलग बने होते हैं, बाकी तो सारा काम एक ही नहीं, तो ये उस ट्रेनिंग में मुझे बताइएगा किस तरह से आपका एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि अक्सर ख़वातीन को अगर देखा जाए तो वो शाये होती हैं या उनके घर का माहौल ऐसा नहीं होता जो मर्द हजरात साथ हों और फिर इकट्ठा काम करें, ट्रेनिंग्स करें, जो भी आप लोगों की ड्यूटीज़ हैं उन पर उनको सर अंजाम दें, तो कहीं कोई मुश्किल का सामना आपने करना पड़ा इस चीज़ को रिलेटेड? देखिए जहाँ तक बात है ना कि ख़वातीन शाये होती हैं तो ऑब्वियसली आप जिस बैकग्राउंड से आए हो वो मैच नहीं कर रहा होता किसी भी आप उसमें फोर्स को ज्वाइन कर ले तो, लेकिन ट्रेनिंग का मकसद ही यही होता है ना कि वो जो जो कमियां हैं आप में आपको ढाला जाए पुलिस ऑफिसर या इवन जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं या जहां जहां कहीं भी आपको इनिशियली जाते ही आपको ट्रेनिंग करवाई जाती है 6 माह की साल की, तो उसका मकसद ही ये होता है कि आपको कंपेटेबल किया जाए जो आपकी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए, सही, ताकि आप हर चीज के लिए तैयार हो जाएं। हाँ जी, तो टाइम के उसमें आपको फायरिंग भी सिखाते हैं, उसमें आपको ड्राइविंग भी सिखाते हैं, अगर कहीं को कमी बेशी हो तो ड्राइविंग की, ऑब्वियसली एक मोटरवे पुलिस का ऑफिसर जो है उसकी ड्राइविंग ज़्यादा फाइन होती है एक आम ड्राइवर या रोड यूज़र। अच्छा, उनकी तैयारियाँ अलग होती हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये सारा कुछ, इसके अलावा कानून पढ़ाया जाता है, ड्रिल्स होती हैं, हर प्रोफेशन की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। सही। जैसे नर्सिंग में कोई जा रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, इवन जो एजुकेशन में जाते हैं तो ऑब्वियसली उनके भी इनिशियल ट्रेनिंग्स भी होती होंगी और फिर उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग कोर्सेज भी होते होंगे। ओके। तो हमारा ये होता। तो आपको मुश्किल कितनी पेश आई या आई कि नहीं आई? नहीं, मेरा ख्याल है मुझे नहीं आई। नहीं आई? आप कोप कर गई उन सारे सिनेरियोस के साथ, उन सारी चीज़ों के साथ जो वहाँ पर हो रही होंगी ज़ाहिर है और आपको करनी पड़ी होंगी जस्ट बिकॉज कि आपने इस फोर्स में शामिल होना है? ऐसे ही है मुझे तो, क्योंकि जब आप अपने शौक से आए हो, आपको नई नई चीज़ें देखने का सीखने का शौक हो, और फिर मेरा ख्याल ये है कि पुलिस में वो ख़वातीन आती हैं जो ये चाहती हैं कि वो साबित कर सके कि हम किसी से कम नहीं, और मेरे ख्याल से एक सख्त मिजाजी भी आपके अंदर होनी चाहिए कि आपका दिल मोम ना हो जाए, क्योंकि ख़वातीन का अगर देखा जाए दे आर वेरी सॉफ्ट हार्टेड, आप कोई चीज़ देखकर घबरा जाते हैं फिर रिलेट कर लेते हैं अपने किसी करीबी रिश्तेदार या अपने घर वालों से, तो उनके लिए भी बड़ा ज़रूरी होता है, उसकी भी ट्रेनिंग प्रॉपर दी जाती है कि जी आपको उस तरह का बना दिया जाए। ऐसे ही है, जो जो आपके प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है वो सारी ट्रेनिंग में शामिल, ट्रेनिंग को जब वो ट्रेनिंग का निसाब बनाते हैं या जो जो चीज़ें वो सिलेबस का हिस्सा होती हैं तो वो सारी ये चीज़ें देख के की जाती हैं कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें इस तरह की पर्सनैलिटी चाहिए। बेशक। तो पुलिस ऑफिसर इज पुलिस ऑफिसर। ओह यस, बिल्कुल, जो अपने कोई औरत सर्व कर रहा है तो वो तो फिर सबसे, आप अकेडमी में जब एंटर होते हैं तो उससे पहले आप मेल और फीमेल होते हैं। बिल्कुल, फिर आप ऑफिसर होते हैं। हाँ, हमें सिखाया जाता है जी यहाँ कोई वो नहीं होगा, मैडम नहीं होगी, यहाँ किसी को चचा नहीं कहना, अंकल नहीं बनाना, यहाँ सब ऑफिसर्स हैं। ग्रेट ग्रेट, दैट्स ग्रेट। जो यूएन का थीम है 21 का वो यही है ना, चैलेंज द वर्ल्ड, तो ये मैडम का प्रोफेशन तो बिल्कुल आई थिंक उसके ऊपर जाता है कि यस यू हैव टू चैलेंज द वर्ल्ड, वी कैन डू इट। बिल्कुल, और चैलेंजेस के साथ ही मेरे ख्याल से हमारे अंदर वो फिर कैपेसिटी पैदा होती है कि हम आगे एज अ लीडर अपने आप को जो है वो मनवा सके। और देखिए जब कभी आपके सामने कोई चैलेंज आता है ना, आप ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं कि हमने करना है ऐसे। यस, क्योंकि एक रूटीन का टास्क करते करते ना आप यूज्ड टू हो जाते हो, फिर आप कोई डिफरेंटली थिंक नहीं करते हो। सही। अच्छा मैं इसी चीज को, चैलेंज को थोड़ा सा, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, आगे बढ़ाऊंगी। एक प्रिंसिपल के लिए भी और किसी भी खातून के लिए जो घर से बाहर निकलती है, ये भी एक चैलेंज है कि किस तरह से वो मैनेज कर रही है अपने घर को और फिर अपनी प्रोफेशन को, तो आपको क्या, कहाँ लैकिंग हुई, कहाँ कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? क्योंकि जाहिर है आप अपने बच्चों को छोड़कर दूसरे बच्चों को पढ़ाने के लिए और उनकी तरबियत के लिए चली गई, तो कहीं बच्चों में कोई कमी आई या किस तरह से आपने मैनेज किया? अच्छा देखिए, जैसा भी मैम ने कहा है ना कि अगर विलिंगनेस होती है ना किसी काम को करने की, तो आई थिंक फिर आप सारा कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। यस, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, बच्चों को, अपने बच्चों को घर छोड़ के दूसरे बच्चों को ग्रूम करना इज़ नॉट एन ईजी जॉब, लेकिन सम हाउ जो आप, जो वर्किंग लेडीज़ होती है ना, उनको टाइम मैनेजमेंट बेहतर करनी आती है,
और शायद वो उस टाइम मैनेजमेंट की वजह से वो ज़्यादा स्किलफुल हो जाती हैं। सही। तो वो अपने घर को भी संभाल लेती हैं और बच्चों को भी संभाल लेती हैं। और दूसरा मज़े की बात होता है ये कि देखें, दूसरे बच्चों की ट्रेनिंग करते करते अपने बच्चों की ट्रेनिंग करनी भी आ जाती है। तो ये एक एडिशनल एडवांटेज है। सही। कि आपको पता चल जाता है कि आपने अपने बच्चों को कैसे सीधा रखना है। वो तो है, लेकिन अक्सर जो वर्किंग लेडीज होती हैं उनके लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप घर रहकर अपने बच्चों को साथ बैठ कर टाइम दे सकें। वो जो मी टाइम बच्चों के साथ होता है ना, बच्चे कहीं ना कहीं उस चीज़ को बड़े अपने माइंड में बिठा लेते हैं कि हमारे पेरेंट्स के पास या हमारी मदर के पास तो हमारे लिए वक्त ही नहीं है, होमवर्क करना है, कुछ है। तो उस टाइम आप अपने जॉब पर हैं जिस टाइम पे बच्चे को आपकी ज़रूरत है, तो वहाँ थोड़ा सा जो है ना कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। अच्छा, जिस तरह मुझे जॉब करते हुए ऑलमोस्ट 21 ईयर्स हो गए हैं माशाल्लाह, और मैंने अपने बच्चों के साथ भी जॉब की है, लेकिन मैंने एक प्रॉपर स्केड्यूल था जो बनाया हुआ था। अच्छा। और मैं उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली खुद भी फॉलो करती थी और बच्चों को भी फॉलो करवाती थी, तो फिर ये बच्चा फील नहीं करता। इवनिंग में अगर मुझे पता है मैंने बच्चों को सुलाया तो मैंने खाना बना लेना है, और इवनिंग में जब बच्चे उठे हैं तो मैंने उनके साथ बैठ के होमवर्क करवा लेना है। तो ये चीज़ें, इट्स जस्ट अबाउट हाउ यू मैनेज। बिल्कुल। और ताकि बच्चों को भी पता चल सके कि हमें भी थोड़ा सा फ्री टाइम मिल गया है और पढ़ाई हमारी हो रही है एक ऐसे स्पेसिफिक टाइम पे जब हमारी मदर घर पे मौजूद है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट सवाल, जहाँ कोविड की इतनी बात चल रही है तो उसमें एक और हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक सेक्टर आया था जिसमें हमें ऑनलाइन क्लासेस पे जाना पड़ा। अच्छा, मर्द हजरात को तो चले टेक्नोलॉजीज के बारे में पहले से ही नो हाउ होती है, वो चीज़ें बड़ी जल्दी कोप भी कर लेते हैं और उनको पता होता है कि हमने इस तरह का करना है। ख़वातीन के लिए आप क्या समझती हैं कि कितनी मुश्किल हुई एक डिजिटल वर्ल्ड को समझने में, उसमें दाखिल होने में, और फिर उसके बाद उन बच्चों को पढ़ाने में? क्योंकि जब तक आप खुद अच्छे परफेक्ट नहीं हो सकते, बच्चों को आप नहीं लेकर चल सकते। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ऐसा ही था कि बहुत सारी ऐसी टीचर्स थी जिन्होंने कभी लैपटॉप हाथ में लिया नहीं, भी नहीं था। सही। तो सबसे पहले यही किया गया कि उन टीचर्स को टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस दी गई, उनको सिखाया गया, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की गई, कैपेसिटी बिल्डिंग जिस तरह से अभी मैम ने भी जिक्र किया। जब हमें लगा कि हाँ अब ये टीचर इस काबिल हो गई है कि शी कैन टेक द ऑनलाइन क्लासेस, फिर हमने ऑनलाइन क्लासेस की तरफ मूव किया। तो उसमें, और ये नहीं कि सिर्फ एक दफ़ा ट्रेनिंग करने के बाद ख़त्म हो गया, इट वाज ऑन गोइंग प्रोसेस, बिकॉज पहली फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, हर एक के अंदर डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस हमने फेस किए। लेकिन डेफिनेटली थ्रू ट्रेनिंग अपने आप को ग्रूम किया, टीचर्स को भी करवाया, और फिर इस तरह से हमने ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट की। सही। और जाहिर है मैंने ये भी तक सुना है कि आप लोगों को प्रॉपर टीचर्स को जो है वो क्लासेस देनी पड़ी और उनको क्लासेस लेनी पड़ी कि पहले बच्चों को पढ़ाने से पहले वो खुद उस चीज़ को समझ सकें कि किस तरह से हमने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, किस तरह से बच्चों को इंगेज करना है। क्योंकि जाहिर है एक डर होता है ना आमने सामने होने का, कि बच्चा डरता है कि टीचर सामने कोई शरारत नहीं करनी। यहाँ बच्चे को पता है कि टीचर सामने है लेकिन नहीं भी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और उन ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लासेस उनसे मुस्तकिल इंटरेक्ट करते रहना। हाँ। और एक ऐसा माहौल क्रिएट करना कि बच्चों को फील हो कि टीचर हमें देख रहा है। आप यकीन करें बच्चों से कैमरास ऑन करवा करवा के हम देखते थे कि वाकई बच्चा सामने बैठा हुआ है क्लास में कि नहीं बैठा हुआ। वरना एक वो पिक्चर आई थी फेसबुक पे एंड आई सो लाफ्ड ऑन दैट कि वो सामने लैपटॉप पड़ा हुआ है और बच्चा पीछे सीट पे बैठा है और उसने अपनी ना बिल्कुल स्क्रीन के हिसाब से एक फ्रेम बना के अपनी अलर्ट बैठने का वो कर दिया और पीछे वो लेटा हुआ सो रहा है। बिल्कुल। तो दे आर सो क्लेवर कि उनके पास हर तरह का जो है ना वो एलिबाई मौजूद होता है। नहीं नहीं, इवन जब टीचर्स ने घरों से क्लासेस लेना शुरू की तब घर में भी ऐसा माहौल होता था कि टीचर क्लास ले रही हो, पीछे पीछे से अपना बच्चा जाती बच्चा भाग रहा है। तो फिर हमने ये भी किया कि टीचर्स को रिक्वेस्ट की कि नहीं, दे शुड टेक द क्लासेस फ्रॉम द स्कूल। एग्जैक्टली। बिकॉज़ स्कूल में जरा ज्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल है एज कम्पेयर टू होम। तो इस किस्म के बड़े मतलब आप बिल्कुल ठीक है, मज़ा भी आया, हंसी भी आई, और फिर कभी लगा भी कि यार ये किस मुसीबत में फंस गए। वाकई वाकई। लेकिन हमें कोविड ने बहुत कुछ सिखा दिया। एट द एंड ये सेटिस्फेक्शन थी कि हमने बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ, और बहुत कुछ नया सीख लिया कि अब आने वाले कल में अगर हमें कभी भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी तो उसके लिए अब हम तैयार हैं। बिल्कुल ऐसा ही। सही। शगुप्ता जी, आपसे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं करना चाहूंगी। अब जैसे हम सब जानते हैं कि वैक्सीन आ चुकी है और ये भी हमने सुना कि पैरामेडिकल स्टाफ को सबसे पहले लगेगी। ज़ारे आप लोग भी उसी प्रायोरिटी में आते हैं और आप लोगों को लगी कि नहीं लगी? अभी लग चुकी है। लग चुकी है। सही। तो एक चीज़ मुझे बताइएगा कि जो ख़वातीन थी, चाहे वो नर्सिंग डिपार्टमेंट से हों या डॉक्टर्स हों या पैरामेडिकल स्टाफ से रिलेट करती हों, उनका क्या रिस्पांस था?
क्यों, इसलिए मैं ये बात पूछ रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझेंगी और रिलेट करेंगी, क्योंकि मर्द हजरात जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं अपने डिसीजन के लिए, सही है, उनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं ये काम करूँ या ना करूँ, लेकिन ख़वातीन डिपेंडेंट होती हैं अपने माँ बाप पे, अपने मियाँ पे, अपने ससुराल वालों पे, अपने बच्चों पे, उनको उनका भी देखना पड़ता है कि उनकी क्या राय। तो अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन आप क्या समझती हैं कि उन ख़वातीन का क्या रिस्पॉन्स था जब उनको लगनी थी ये वैक्सीन? देखिए हमारे प्रोफेशन में तो सारी मोस्टली ख़वातीन है ना, हाँ, तो वैक्सीन का जहाँ बात आ गई तो सब थोड़ा सा डर गए, हिचकिचाए कि घर वाले ना मना करें, मना ना कर दें, और पता नहीं इटसेल्फ ये वैक्सीन की लगाने से ही हमें कोरोना ना हो जाए, हाँ, साइड इफेक्ट्स का डर कि खुदा ना खास्ता कोई और चीज ना हो जाए, वो डर आपको रोक रहा है बिल्कुल। और क्योंकि जाहिर है कि ये वैक्सीन चाइना से आई है, तो आपको पता है चाइना तो वैसे ही कोविड का सेंटर बना है, तो सबको यही डर था कि कहीं इसका टेम्परेचर ठीक ना हो वैक्सीन का, और हाँ, इसके जो जर्म्स हैं वो वाकई हम पे अफेक्ट ना कर दें और हमें ही कोरोना ना हो जाए, तो इस वजह से काफ़ी डर पाया जाता है हमारे ही लोगों में ना, बहुत सारे लोग अभी भी अवॉइड कर रहे हैं, नहीं लगवाना चाह रहे, कंसेंट लिए जा रहे हैं उनसे लगवाने के लिए ना, तो मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग था जब मैंने लगवा ली, तो मुझे भी घर से मुजाहिमत का सामना हुआ कि जी आपने क्यों लगवाई है, मुझे कहा गया मेरे हस्बैंड की तरफ से कि आपने क्यों लगवाई, तो मेल्स जो है ना वो मतलब नहीं लगवाना चाह रहे, लेकिन असल कई दफा हम फंस जाते हैं, हमें बोला जा रहा है लगवाना और हम भी चाह रहे हैं लगवाना, लेकिन अपने घर वालों की वजह से हम बड़े खिंच जाते, सैंडविच बन जाते हैं, इधर की सुने या इधर की सुने, बिल्कुल। और ख्वातीन के साथ तो आपको पता यही इशू है कि उन्हें सबको ही खुश रखना है, घर वालों को भी और अपने प्रोफेशन के साथ भी, जाहिर है कि रहना है, इंसाफी नहीं करनी है। तो इतने मुश्किल हालात में जहाँ हमने इतना फेस किया है कोरोना को, तो अब वैक्सीन जब आ गई है तो ये जरूर लगवानी चाहिए सबको, बिल्कुल। और वो जो एक हमारे मिसकंसेप्शन है और कॉन्स्पिरेसीज इतनी बन रही हैं कि इससे फलाना कुछ हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा, तो आप देखेंगे हमारे सामने बैठी हैं, मिसाल है हमारे सामने कि इन्होंने लगवा भी लिया है और अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी आपको, सही। इन द एंड मैं ज़रूर चाहूँगी आप सबसे एक एक मैसेज लूँ आज के दिन के हवाले से। नबीला जी आपसे शुरू करूँगी, क्या आप अपनी कौम को या अपने इस प्रोफेशन से रिलेटेड ख़वातीन को जो है जो इसमें आना चाहती हैं उनको मैसेज देंगी? देखिए जी, मैं तो तमाम ख़वातीन से बल्कि पूरी नेशन से कहूँगी कि अगर हमें एम्पावरमेंट चाहिए, लीडरशिप चाहिए, तो फिर हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। ट्रू दैट। अगर हम कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं तो फिर उसमें ये दोनों चीज़ें आपके पास नहीं है। तो वो ख़वातीन जो चाहती हैं कि वो जेंडर इक्वालिटी के सिर्फ नारे ही ना लगाएं, कुछ करके जेंडर इक्वालिटी हासिल करें, हाँ, तो वो उसी सूरत में हासिल होगी कि जब कुछ करके दिखाएंगे, अपना आप मनवाएंगे। Exactly. तो उसके लिए आपको फिर इस तरह के प्रोफेशंस जैसे नर्सिंग है, जैसे पुलिस है, तो आपको ये ज्वाइन करने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो आप खुद ऑप्ट करें, आए, अपने अंदर हिम्मत हौसला पैदा करें। डिपार्टमेंट्स बहुत अच्छे हैं, आपको एक शील्ड मिल जाती है जब आप यूनिफॉर्म में आते हो, जैसे कि मैंने पहले ही जिक्र किया कि वो जो अबाया पहन के, अब अबाया एक बड़ा रिस्पेक्टेबल आपका ड्रेस है। बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद जो लेकिन है उसका... उसके बावजूद क्यों? क्योंकि वो एक सोसाइटी में कमज़ोर होने की अलामत है। लेकिन उसी को हमने थोड़ा सा ये बताना है कि अब हम कमज़ोर किसी भी लिहाज से नहीं है, सिर्फ क्योंकि हम नहीं है जो हमें रिस्पेक्ट की मोहताज बनाएगी। तो आपको आप ऑप्ट करें, आए, अपना आप बनाएं। बिल्कुल, और सही बात है कि कोई चीज़ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो अगर आपने इस तरह की रिस्पेक्ट हासिल करनी है या अपना अपने गुण गंवाने, तो आपको जो है अपना आराम खोना पड़ेगा, अपना जो है वो एक सुकून खोना पड़ेगा, ये चीज़ के लिए कि आप आने वाले कल में अपने माशरे को सुकून दे सके, अपने चाहने वालों को सुकून दे सके। आप ज़रफ़शा जी क्या कहेंगे आज के दिन? मैं वुमेंस डे के हवाले से कहना चाहूँगी कि वी शुड बिलीव इन आर सेल्फ। ट्रू। जब तक कि हमें हम ये नहीं समझेंगे कि हम ये काम कर सकते हैं, हम वाकई नहीं कर सकते। बिल्कुल। टू बी टू विन द रेस यू हैव टू बी इन द रेस। ट्रू। रेस तभी जीतते हैं जब आप उसमें शामिल होते हैं। तो मैंने कई दफ़ा लोगों ख़वातीन से सुना है कि मतलब कोई काम शुरू किए बगैर ही कहेंगी कि ये नहीं हो सकता, ये लगता है कि मुश्किल, हाँ, ये मुश्किल है, ये नहीं हो सकता। अगर आपने पहले ही सोच लिया ना कि नहीं हो सकता, हाँ, तो वाकई नहीं होगा, तभी हार जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वन हैज टू बिलीव इन आवरसेल्फ। बिल्कुल सही बात। और अपने कंफर्ट जोन से बाहर जब तक आप नहीं निकलेंगे, यू कांट अचीव एनीथिंग। ट्रू दैट। शगुफ्ता जी आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी कि नर्सिंग ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप
नेकियां कमा सकते हैं, ठीक है, दुआएं हासिल कर सकते हैं, ठीक है, जन्नत का एक रास्ता है ये प्रोफेशन, ठीक है। आप खिदमत करते हैं बीमार लोगों की, तो मैं तो ख़वातीन से कहूँगी कि बहुत सारे लोग हेजिटेट हैं इस तरफ आने से और अपनी बेटियों को मना करते हैं कि इस प्रोफेशन में ना जाएं। मैं तो प्रमोट करूँगी कि इसमें ज़रूर आए। मुझे तो कोई ऐसी हर्डल फेस नहीं हुई है, मैंने अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली है और बहुत अच्छी हमारी जो स्टडीज़ हैं वो हैं, और अभी तक हम अपडेट हो रहे हैं। इसमें ये नहीं है कि आप रुक जाते हैं, बिल्कुल आप इसमें अपडेट होते रहते हैं, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते रहते हैं। आप प्रोफेशनल वर्कशॉप्स होती हैं हमारी बहुत ज़्यादा, हमें स्टडीज़ के लिए बाहर भी भिजवाया जाता है, आउट ऑफ कंट्री भी गए हैं हम वर्कशॉप्स के लिए। तो इसमें बहुत स्कोप है इस प्रोफेशन में, और मैं तो कहूँगी ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा प्रोफेशन। बहुत अच्छा, बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। नबीला जी थैंक यू, ज़रफ़शान जी, शगुफ्ता जी, वंस अगेन आप सबका बेहद शुक्रिया, एंड सल्यूट टू ऑल ऑफ़ यू कि आप अपने प्रोफेशन में जिस तरह से लगन के साथ आप बढ़ रहे हैं, आगे मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों को देख कर और भी लोगों का जो है वो जज्बा वैसे ही कायम हो, और अपने आप को वो मनवाने के लिए इन फील्ड्स में वो ज़रूर उतरें, और ये साबित करें कि अगर वो खातून है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो इस स्पेसिफिक फील्ड में कुछ कर नहीं सकती। ये हमारी आज की मज़ेदार सी जो सिलसिला था, जो सेगमेंट था, ख़वातीन को लेकर, उनके आलमी दिन को लेकर हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज जितने भी हमारे साथ यहाँ मेहमान मौजूद थे वो अपने अपने शोबों में उन्होंने ये साबित कर दिया है कि कोई भी प्रोफेशन हो हम उसको बाखूबी निभा सकते हैं और कर सकते हैं। यही सोच आप अपने अंदर लेकर आएँ, माशरे को जो है वो इसी सोसाइटी को आप जब उसमें रह रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपने उनके हिसाब से चलना है, सोसाइटी का भी आप मूड चेंज कर सकते हैं, उनकी भी थिंकिंग आप खुद चेंज कर सकते अगर आपके अंदर इतनी पावर है, अगर आपकी सोच इतनी अच्छी और स्ट्रॉन्ग है। नाज़रीन इसी के साथ हमारा शो भी इख्तिताम को पहुंचता है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।